Okay. So, first of all, thanks you everyone कि आप आपका कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए, right? लेकिन ये मेरी गारंटी है कि at the end of the lecture you will learn minimum 5 things कि जो आप even though you don't do the training but अगर आपने ये 5 things आपकी कंपनी के लिए या आपके खुद के बिजनेस के लिए इंप्लीमेंट की तो आपको कंफर्म फायदा होगा. That is my guarantee. Okay. So सबसे पहले जब भी हम कोई भी लाइन को चूज करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या रहता है, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इन आवर माइंड व्हेन वी चूज अ पर्टिकुलर फील्ड, क्या रहता है दिमाग में हमारा? नहीं, वो तो उसका नेक्स्ट स्टेप है. सपोज मैं 10th में हूँ या 11th, साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है, 12th के बाद कौन सी इंजीनियरिंग में कौन सी फील्ड में इंजीनियरिंग करनी है, तो वेन एवर यू डिसाइड आप कौन सी चीज को दिमाग में रखते हुए ये डिसीजन लेते हो, दैट इज माय क्वेश्चन. उसकी डिमांड कैसी होगी इन द कमिंग इयर्स, राइट? अगर उसकी डिमांड कमिंग 10 साल में या 5 साल में रहने वाली है तो हमको वहां पर सस्टेन होने में या आगे बढ़ने में कोई तकलीफ नहीं होगी, राइट? दैट इज द कोर थिंग वी हैव इन आवर माइंड whenever we choose any field, correct? तो यही इसका भी ऐसा ही है कि डिजिटल मार्केटिंग की जो डिमांड है वो डे बाय डे ग्रो हो रही है, राइट? ये इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक आर्टिकल है जिसमें उन्होंने लिखा है कि बाय 2070 ये जो यूज करने वाले हैं वो 420 मिलियन को, अभी 2070 तो चला गया है, तो इससे भी ज्यादा अभी इसके यूजर्स बढ़ गए हैं ऑन द इंटरनेट, राइट? 2000 जियो कब लॉन्च हुआ था? 2017 में ना, राइट? 2016 में. तो 2016 में जब से जियो लॉन्च हुआ है तब से इंटरनेट यूजर्स सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गए हैं, सिग्निफिकेंटली, राइट? तो एक सर्वे के अनुसार इंडिया में नॉर्मली लोग two to three आवर्स दे स्पेंड देयर टाइम ऑन द इंटरनेट, राइट? वेदर ऑन द व्हाट्सएप, वेदर ऑन द फेसबुक, वेदर ऑन द एनी अदर मीडिया, राइट? तो ये 2 से 3 घंटे यूट्यूब है, ये 2 से जो 3 घंटे का टाइम वो लोग स्पेंड करते हैं वहां पर अगर उसका इंटरेस्ट आपकी प्रोडक्ट के साथ मैच हो गया तो आप वहां पर आपकी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो. दैट इज अ वेरी फंडामेंटल थिंग, करेक्ट, राइट? तो ये चीज, अगर कोई डॉक्टर कोई सर्व कर रहा है या कोई हॉस्पिटल ओनर सर्व कर रहा है और उनकी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की उनको फेसबुक में पोस्ट दिख गई, वो ऐसा मार्केटिंग कर सकते हैं कि मेरी पोस्ट अहमदाबाद में जितने भी डॉक्टर्स है, राइट, या जितने भी हॉस्पिटल के ओनर है उसको मेरी इंस्ट्रूमेंट की एड, दैट इज योर टारगेटेड ऑडियंस, गाइस, आपका टारगेटेड ऑडियंस वही है, तो उसको मेरी एड दिखनी चाहिए. तो अगर उनको इनकी एड दिखी तो अगर 10,000 डॉक्टर्स को उनको दिखेगी तो उसमें से कन्फर्म 50 लोग उनको कॉन्टेक्ट करेंगे और 50 में से कन्फर्म 10 लोग उनके कस्टमर बनेंगे. सो दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेट, राइट? तो नॉर्मली कोई भी लाइन है ना, उसका फ्यूचर कब ब्राइट होता है? जब बायर एंड सेलर दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है. फॉर बायर एंड सेलर, राइट, कोई भी एक फंडामेंटल लॉ है कोई भी बिजनेस का कि जब बायर एंड सेलर के लिए विन विन सिचुएशन होती है तभी वो बिजनेस एग्जीक्यूट होता है, करेक्ट? तो अभी हम दोनों साइड से डिस्कस करते हैं कि बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेट कैसे अच्छा है और फ्रॉम द सेलर पॉइंट ऑफ व्यू इंटरनेट किस तरीके से अच्छा है कंपेयर टू अदर मार्केटिंग चैनल, राइट? तो सबसे पहले बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. तो आप लोग बताओ कि इंटरनेट पर चीज बाय करना क्यों और तरीकों से अच्छा है, व्हाई इट इज बेटर टू परचेज फ्रॉम द इंटरनेट और फ्रॉम द ऑनलाइन वेबसाइट कंपेयर टू एनी अदर सोर्स? वेरी गुड, ऑप्शंस आपके पास इजीली रेडी रहते हैं, राइट? हम लोग अभी हमारी नेविगेशन पैटर्न कैसी हो गई है कि सबसे पहले सपोज मुझे रेडमी लेना है तो रेडमी नॉट 5 नॉट 6 जो भी है उसमें वो मैं सर्च करता हूँ, वो सर्च करने के बाद जो भी वेबसाइट आती है उसको अलग अलग टैब में मैं ओपन कर देता हूँ, तो 5 मिनट में हमारे पास 10 ऑप्शन अवेलेबल है, राइट? सो दैट इज द फर्स्ट थिंग कि यू हैव मैनी ऑप्शंस व्हेन यू आर परचेजिंग एनीथिंग ऑनलाइन, करेक्ट? वेरी गुड, राइट? तो अगर ऑप्शन ज्यादा है तो यू कैन कंपेयर एंड यू कैन इवेल्यूएट दैट विच इज बेटर फॉर यू, करेक्ट? ओके, एनी अदर?
price comparison. Correct. So you have the options. So you have the price comparison as well. कि कौन सी साइट पर सस्ता मिल रहा है और कौन सी साइट पर ज्यादा है. करेक्ट. वही चीज अगर आपको फिजिकली करनी है तो इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ टाइम. राइट. अगर मुझे उनकी अगर कोई मेडिकल इंस्ट्रूमेंट परचेस करना है तो मुझे सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज अच्छी है. राइट. किसका बीपी का मीटर अच्छा रहता है. राइट. सबसे पहले तो कौन सी कंपनी का थर्मोमीटर अच्छा है, और वो भी दुकान वाला कभी सही नहीं बताएगा, क्योंकि नॉर्मली उनका जिसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा वो वैसी चीज नॉर्मली ऐसा होता है. लेकिन वही चीज अगर मैं इंटरनेट पर सर्च करूं तो मुझे कौन सी चीज मिलेगी जिसे मुझे पता लग जाएगा कि ये चीज अच्छी है. हाउ आई कैन फाइंड इंटरनेट पर ऐसी कौन सी चीज रहती है जिससे मैं डिसाइड कर सकता हूं कि दिस थिंग इज बेटर देन द अदर वन. फीचर्स से भी एक इंपॉर्टेंट चीज है. हम लोग क्या देखते हैं? नहीं, हम लोग क्या देखते हैं उसमें? रिव्यूज प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल. इवन दो और कोई कंपनी का मोबाइल अच्छा फीचर्स वाला आपको 8000 में मिल रहा है, लेकिन वही अगर उसके रेटिंग 4 से कम है और दूसरी एक कंपनी है जिसका रेटिंग 4.5 है और वो 10000 में मिल रहा है, तो आप 10000 वाला लोगे कंपेयर टू 9000 या 8000. क्यों? क्योंकि उसमें आगे जाके एक या दो साल में उसकी नहीं चलने की प्रोबेबिलिटी कम है कंपेयर टू दी 3.5 स्टार रेटिंग. सो रिव्यूज ऑल्सो प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल विच यू कैन डिसाइड विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड. राइट. एनी अदर थिंग फ्रॉम द बायर पॉइंट ऑफ व्यू? किस तरीके से कन्वीनियंट है? वेरी गुड, एक्सीलेंट. अगर कल मेरी बच्ची का बर्थडे है, राइट, और मुझे केक मंगवानी है, ऐसा मुझे 10 बजे रात को ख्याल आया, सो आई कैन नॉट गो टू द फिजिकल स्टोर बिकॉज एट दैट टाइम मेजोरिटी ऑफ द केक शॉप हैव बीन क्लोज. राइट. वो क्लोज हो गई होती है वो टाइम पर. लेकिन वही चीज मुझे ऑनलाइन करनी है तो मैं तुरंत ही कर सकता हूँ. वो लोग एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन एटलीस्ट आई कैन सेटिस्फाई माई क्वेरी, राइट, माई और माई रिक्वायरमेंट. करेक्ट. तो दैट इज द अनदर थिंग, दैट इज नो टाइम कंस्ट्रेंट इन द केस ऑफ ऑनलाइन बाइंग. राइट. आप रात के 12 बजे भी कोई भी चीज दिमाग में आई तो आप उसको परचेस कर सकते हो. राइट. एनी अदर थिंग फ्रॉम द बायर पॉइंट ऑफ व्यू? मेजोरिटी हमने कवर कर लिया है. ओके. तो अभी सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि हाउ इट इज इफेक्टिव फ्रॉम द सेलर पॉइंट ऑफ व्यू. किस तरीके से मिलते हैं क्लाइंट? सर्च करेगा तो मिल जाएगा. क्लैरिटी. वेरी गुड. यस. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. सो वेरी ट्रू. अभी हमको कोई भी चीज के लिए ढूंढना है, अभी तो गूगल भी बहुत ऐड उसने वो पब्लिश कर रहा है. राइट. तो यही है कि भाई अगर आपको जब भी आप कोई भी चीज कर रहे हो और दिमाग में कोई भी चीज आई तो यू कैन इजिली सर्च ऑन द गूगल एंड देन यू कैन फाइंड योर सर्विस और प्रोडक्ट. राइट. तो यही है, आप लोग सभी यहाँ पर आए हो, वो वेबसाइट से ही आए हो. मैंने कभी किसी को पर्सनली ऐसा कोई बैनर या पोस्टर नहीं छपवाया है कि भाई आई एम रनिंग द डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग. सो दैट इज द रीजन कि मेरी वेबसाइट सभी कीवर्ड के लिए टॉप पर है, और टॉप पर है तो जब भी आप सर्च करते हो तो मेरी वेबसाइट आपको मिलती है जैसे उन्होंने बताया, और वहां से मिलती है, और हमारा रिस्पॉन्स अगर आपको कन्वीनियंट या अच्छा लगता है तो यू कम हियर एंड टेस्ट दैट हाउ इट इज. राइट. यस. तो नए क्लाइंट को ढूंढने में डिजिटल मार्केटिंग इज वेरी इफेक्टिव. राइट. और नॉर्मली मार्केटिंग दो टाइप के होते हैं, वन इज आउटबाउंड मार्केटिंग एंड नंबर टू इज इनबाउंड मार्केटिंग. राइट. पता है किसी को व्हाट इज आउटबाउंड एंड व्हाट इज इनबाउंड मार्केटिंग? इट इज वेरी फंडामेंटल इन मार्केटिंग. नहीं, योर आंसर इज नॉट 100% इनकरेक्ट. वो सही है. द फंडामेंटल डिफरेंस इज दैट कि एक चीज में ऑलरेडी यूजर आपकी चीज को ढूंढ रहा है और आप उसको वो बेच रहे हो या आपको वो सर्विस दे रहे हो. इट इज कॉल्ड इनबाउंड. यानी इफ सपोज मुझे आज पंजाबी खाना है सपोज, और मैं वो सिटी में नया हूँ
और मैंने गूगल पर सर्च किया कि पंजाबी रेस्टोरेंट्स नियर मी, एंड मुझे अगर जोमेटो में अच्छी रेस्टोरेंट रिव्यूज वाली मिल गई तो वो इनबाउंड मार्केटिंग। और पंजाबी रेस्टोरेंट वाले ने अपना फ्लायर्स छपवाया और हर एक शॉप में दे दिया, और उसमें से कोई अगर वहां पर जाता है तो वो हुआ आउटबाउंड मार्केटिंग, राइट। तो वो केस में आपको उसका इंटरेस्ट को जगाना पड़ता है फ्लायर वाले केस में, और वो केस में उसका इंटरेस्ट ऑलरेडी जगा हुआ है, यू हैव टू जस्ट कैप्चर दी लीड या कैप्चर दी यू कैन से कि अपॉर्चुनिटी, यू जस्ट नीड टू कैप्चर दी अपॉर्चुनिटी। तो इनबाउंड में और आउटबाउंड में, ये दोनों में से आपको कन्वर्जन रेट किस में अच्छा मिलेगा? ऑफ कोर्स इनबाउंड में कन्वर्जन रेट पता है ना, व्हाट इज कन्वर्जन रेट, व्हाट इज कन्वर्जन रेट, क्लाइंट्स में से कस्टमर, यूजर, यूजर आपके केस में विजिटर फॉर एग्जांपल, वेरी गुड, 70% इज योर कन्वर्जन रेट, राइट। सो कन्वर्जन मानी आपकी वेबसाइट को, दो टाइप के कन्वर्जन रहते हैं। पहला टाइप का कन्वर्जन है कि कितने लोग इंक्वायरी कितने लोगों ने की और कितने लोग आपकी शॉप को विजिट किया, दैट इज फेज वन। एंड फेज टू इज आपकी शॉप को विजिट करने के बाद कितने लोगों ने वो परचेस किया, दैट इज फेज टू, राइट। तो दैट इज द कन्वर्जन रेट। तो हमेशा इनबाउंड मार्केटिंग में कन्वर्जन रेट ज्यादा रहेगा क्योंकि यूजर ऑलरेडी मोटिवेटेड है और आप उसको ये चीज दे रहे हो, क्लियर, राइट। तो अभी हम सर्च करते हैं, अभी हम देखते हैं आगे कि सेलर के लिए डिजिटल मार्केटिंग किस तरीके से अच्छा है या क्यों उसका फ्यूचर ब्राइट है। तो एक देखा कि भाई इनबाउंड मार्केटिंग है तो ऑब्वियसली वो अच्छा रहेगा, जिसको जो चाहिए वो गूगल पर सर्च करता है और आपकी वेबसाइट पर आकर लैंड होता है, तो आपको कन्वर्जन रेट अच्छा मिलेगा। और कोई रीजन किस तरीके से लो कॉस्ट है, करेक्ट, एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। सपोज एक सिंपल उन्होंने जो आंसर बोला उसका ज्यादा डीप में हम लोग चले जाते हैं। सपोज वो कोई भी मार्केटिंग वाला आई थिंक 10,000 से कम में काम नहीं करेगा, और कमीशन तो अलग से रहेगा, वो तो रहेगा ही रहेगा। तो समझ लो कि 15,000 वो दे रहे हैं सपोज एक बंदे को, और वो एक महीने में सपोज 5 इंक्वायरी को लॉक करता है फॉर एग्जाम्पल। अगर वही चीज वो फेसबुक पर पेड एडवर्टाइजमेंट के जरिए करे या गूगल पर किसी से SEO करवाए, तो आई एम प्रिटी श्योर कि वो मिनिमम 20-30 लीड जनरेट करेंगे, मिनिमम मिनिमम, करेक्ट। तो और वो बंदे को सुबह में समझाना, कोई दिन नहीं आया तो फोन करना, राइट, और कई सारी हेडेक्स, किसी की भी बंदे को हायर करते हो तो बहुत सारे हेडेक, जैसे भाई अपने शुरू में देखा वो बहुत सारे हेडेक्स यू हैव टू टेक केयर, राइट। लेकिन वो ऑनलाइन में एक बार चला दिया और प्रोसेस आपने सेट कर दी तो दे इट, द सिस्टम विल डू इट ऑटोमेटिकली फॉर यू, राइट, ऑन बिहाफ ऑफ यू, यू जस्ट नीड टू फॉलो अप फॉर द लीड, दैट्स इट, करेक्ट, ओके। और कोई रीजन, इट इज योर पोर्टफोलियो और द पास्ट क्लाइंट यू हैव वर्क सो फार, राइट, वेरी गुड। इससे क्या होगा, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, परफेक्ट। सपोज आपका इनका ही केस ले लो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का, अगर उन्होंने 5 शेल्बी हॉस्पिटल है या कृष्णा हॉस्पिटल है या जाइडस है, उसमें से एक को भी दिया होगा उनके इंस्ट्रूमेंट, तो दूसरी हॉस्पिटल तुरंत ही ट्रस्ट कर लेगी कि अगर इनको दिया है तो कंफर्म ये अच्छा ही होगा, इट इज लाइक दैट, करेक्ट। सो वेरी गुड कि आप वो चीज सारी वहां पर रख सकते हो। क्लाइंट सी बेसिकली इसमें क्या है कि मुझे डिसीजन मेक करने में जो भी चीज चाहिए वो अगर मुझे आपकी वेबसाइट से मिल गई तो, और उसमें आपकी तो कोई एफर्ट नहीं है, एक टाइम आपने बनाया वही एफर्ट है आपकी, आपने अच्छी सी वेबसाइट बना दी, सब कुछ उस पर रख दिया, दैट इज द ओनली एफर्ट यू हैव। एवरी टाइम यूजर विल वॉच योर वेबसाइट और सी योर वेबसाइट, द यूजर विल हिमसेल्फ या हरसेल्फ डिसाइड कि उसको जो चाहिए वो है कि नहीं है, करेक्ट, वेरी गुड। एनी अदर रीजन
तो उससे आपको कन्वर्जन रेट अच्छा मिलेगा. यस, एनी अदर रीजन फ्रॉम द सेलर पॉइंट ऑफ व्यू? फॉर एग्जाम्पल विंटर चल रहा है, ओके ओके, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. कर सकते हैं, वेरी ट्रू वेरी ट्रू वेरी ट्रू. कर सकते हो, एग्री 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 एग्री, ट्रू 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 वेरी ट्रू वेरी ट्रू. यानी आप बहुत ही कम खर्चे में बहुत ही ज्यादा इन्वेंटरी आपके दिखा सकते हो, राइट? यू कैन शो योर इन्वेंटरी राइट इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, राइट? करेक्ट. एनी अदर? सी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कोई भी अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो जो सबसे चैलेंजिंग पार्ट है वो है कैश फ्लो, राइट? कैश फ्लो, क्योंकि जब आप शटर को ओपन करते हो ना, तो देर आर फ्यू फिक्स कॉस्ट विच यू मस्ट हैव टू टेक केयर, इवन दो यू मेक अ प्रॉफिट और नॉट, या यू मेक अ रेवेन्यू और नॉट, राइट? तो समझ लो कि ये ऑफिस का रेंट है 30,000 रुपीज, मैंने जो एम्प्लॉय रखे हैं उनकी सैलरी सपोज समझ लो कि 30,000 to 40,000 रुपीज की आती है, और सारे मिसेलिनियस खर्चे 10,000 to 15,000 आते हैं, तो 80,000 to 90,000 एक्सपेंडिचर इज वेरी नॉर्मल, वेरी नॉर्मल. तो अभी आप सोचो कि अगर मैं शॉप लेता हूँ तो 80,000 to 90,000 रुपीज का प्रॉफिट जब तक नहीं होता, तब तक तो मैं माइनस में ही हूं. और यही रीजन है कि मेजोरिटी ऑफ द बिजनेस 6 महीने में बंद हो जाते हैं. नए बिजनेस, आपने कई बार गौर किया होगा कि नए रेस्टोरेंट्स ओपन होती है, या फिर नया ढाबा ओपन होता है, या फिर नया फैशन वाली शॉप्स ओपन होती है, वो 80% ऑफ द शॉप 6 महीने में बंद हो जाती है. क्यों? बिकॉज ऑफ दिस फाइनेंशियल इश्यू. क्योंकि आपके खर्चे तो वही रहने ही वाले हैं. रेंट वैसा नहीं बोलेगा वो कि भाई आपने आज बिजनेस नहीं किया ये महीने तो आप रेंट मुझे मत देना, राइट? यू मस्ट हैव टू पे इट, राइट? तो वो सस्टेन नहीं हो पाता. इसीलिए ऑनलाइन फिजिकल में बिजनेस चलाना शुरू में, अगर आपके पास कैपिटल अच्छा नहीं है और शुरू में चलाना, इट इज वेरी चैलेंजिंग, वेरी चैलेंजिंग. लेकिन वही चीज अगर आपने ऑनलाइन की, इट इज वेरी इजी. कैसे? बिकॉज यू हैव टू पे द कमीशन ओनली व्हेन यू आर सेलिंग, राइट? आपको तब भी कमीशन अमेजोन फ्लिपकार्ट या ईबे या जो भी है शॉपक्लूज उसको देना है जब आप प्रोडक्ट को बेचते हो. सपोज मेरी चाइना में मैं कोई एग्जीबिशन में गया और वहां पर मेरा अच्छा कॉन्टेक्ट हो गया और वहां से मैंने पेन ड्राइव को ले लिया बल्क में, राइट? और मैंने देखा कि भाई इंडिया में अभी एक पेन ड्राइव सपोज 100 रुपीज में 10 GB की बिक रही है, फॉर एग्जाम्पल. मुझे ये जो मेरी है ये कॉस्ट है मेरी 50 रुपीज, और मैं 70 रुपीज में बेचता हूँ तो मुझे 20 रुपीज का फायदा होने वाला है, राइट? तो तुरंत ही मैं वो इन्वेंटरी को घर पे रख के भी उसको बेच सकता हूँ विदाउट अ सिंगल कॉस्ट और कोई भी कॉस्ट को, राइट? सो दैट इज द रीजन कि डिजिटल मार्केटिंग सेलर के लिए अच्छा है. और कोई रीजन? संजय जी मारू पानी पड़ी हुई बाहर, पड़ी हुई है ना बाहर, दो आबाजू पड़ी हुई है. यस, और कोई रीजन? सपोज मेरी फिजिकल स्टोर है, उनकी उनकी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर लेते हैं. सपोज इनकी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की शॉप है तो उनकी रीच कितनी होगी नॉर्मली, यानी कितने लोगों को पता होगा कि ऐसी मेडिकल की दुकान है जहां पर होलसेल में मेडिकल की इंस्ट्रूमेंट्स मिलती है. आप समझ लो कि 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर की रेडियस में सबको पता होगा कि भाई ये शॉप एक एग्जिस्ट है. लेकिन यही चीज अगर आप ऑनलाइन बेचना चालू करोगे तो आपकी रीच कितनी होगी, कितनी होगी? पान इंडिया होगी, पूरा इंडिया होगी, राइट? सो दैट इज दी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप आपका मार्केटिंग या तो पूरे इंडिया या पूरे वर्ल्ड में कर सकते हो.
विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, क्योंकि ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि आप आपके 2 किलोमीटर के रेडियस में जो इंस्ट्रूमेंट बेच रहा है उसको ही देख सकते हो, राइट? यू कैन रीच टू एनी यूजर एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, करेक्ट? सो दैट इज द अनदर रीजन. तो अभी सबको क्लियर हो गया व्हाई डिजिटल मार्केटिंग फ्यूचर इज ब्राइट. ओके, और एक मैं आपको रीजन बताता हूं क्यों डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर अच्छा है. ऐसा कई लोग बताते हैं या कई लोगों का रिसर्च है कि 2014 की जो लोकसभा की जो इलेक्शन थी वो नरेंद्र मोदी जी ने विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट विन की है, राइट? ये इंटरनेट का इन्फ्लुएंस है, राइट? तो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप इंटरनेट डिजिटल मार्केटिंग में सब कुछ मेजर कर सकते हो. यू कैन मेजर एवरीथिंग. फॉर एग्जाम्पल, आश्रम रोड पर आपको आसो पालो की जो शॉप है पतंग होटल के बाजू में, बहुत बड़ी शॉप है, उनके कई सारे होल्डिंग आश्रम रोड पर उन्होंने लगा के रखे हैं. आप क्या सोचते हो एक होल्डिंग की एक महीने की किराया कितना होगा? पर वीक तो एक महीने का हुआ 2,40,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली. हम 2 लाख को गिनकर चलते हैं और इट डिपेंड्स फ्रॉम द एरिया टू एरिया, इट वेरीज फ्रॉम द एरिया टू एरिया, राइट? तो अगर आसोपालो वालों को ये मेजर करना है कि वो होल्डिंग से उनका कितना ब्रांडिंग होता है या फिर उनसे इन्फ्लुएंस होकर कितने लोग शॉप में आते हैं, क्योंकि उन्होंने होल्डिंग क्यों रखा है, बिकॉज ऑफ टू रीजन. नंबर वन इज ब्रांडिंग एंड नंबर टू इज सेल, राइट? अगर उनको ये मेजर करना है कि कितने लोग उनकी शॉप में आते हैं, विल दे बी एबल टू मेजर? नहीं मेजर करते. वो ऐसे हर एक को पूछ तो नहीं सकते ना कि कौन से होल्डिंग देखकर आप शॉप में एंटर हुए. दे कैन नॉट आस्क सच क्वेश्चन, राइट? लेकिन वही 2 लाख रुपए अगर आसो पालो वाले गूगल पर स्पेंड करे, यानी अगर कोई गूगल पर कोई सर्च करता है कि भाई दुल्हन कलेक्शन, राइट, गूगल पर, और अहमदाबाद में उनको उनकी एड दिखाए तो वो दिखा सकते हैं. दैट इज नंबर वन. नंबर टू, फेसबुक पर जितने भी लोग जिसकी भी उम्र 20 से 25 ईयर्स की है, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, नॉर्मली जो मैरिज की उम्र होती है, वो उनको ही सिर्फ ऐड दिखानी है. ये सारे फिल्ट्रेशन यू कैन डू दैट फ्रॉम योर साइड. तो उनको ये पता लगेगा कि कितने लोगों ने वो पोस्ट को लाइक किया है. नंबर टू, कितने लोगों ने शेयर किया है. नंबर थ्री, कितने लोगों ने कमेंट किया है. नंबर फोर, कितने लोगों ने चेक इन किया है. नंबर फाइव, कौन से टाइम पर सबसे ज्यादा लोग एंगेज होते हैं, राइट? नंबर फाइव, कमेंट में लोगों के कॉमन क्वेश्चंस क्या रहते हैं, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे. तो ये जो 6 चीज है, ये 6 चीज से आप मेजर कर सकते हो कि कौन सी चीज वर्क कर रही है, कौन सी चीज वर्क नहीं कर रही. सपोज उन्होंने 3 मॉडल से फोटोशूट करवाया है आसो पालो ने, फॉर एग्जाम्पल, तो वो तीनों की तीनों मॉडल को वो ए बी स्प्लिट टेस्टिंग कर सकते हैं, या फिर सर्टेन पर्सन ऑफ यूजर को ए वाली मॉडल दिखाएंगे, किसी को बी वाली और किसी को सी वाली, और वो देखेंगे कि लाइक सबसे ज्यादा किसमें आती है, चेकिंग सबसे ज्यादा किसमें रहता है, और जिसमें सबसे ज्यादा रहता है वो नेक्स्ट जो उनका मॉड्यूल रहेगा फोटोशूट का, वही मॉडल से करवाएंगे, क्योंकि ROI वो बैनर से या वो इमेज से ज्यादा मिलती है कंपेयर टू दी अदर. सो ऑल दिस मेजरमेंट दे कैन डू इन द केस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, बट नॉट इन द केस ऑफ एनी अदर मार्केटिंग, वेदर इट इज प्रिंट मीडिया या वेदर इट इज एनी अदर टाइप ऑफ मीडिया, राइट? तो ये और एक रीजन है कि डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर ब्राइट है. आप सब कुछ मेजर कर सकते हैं, और यही रीजन से ऐसी भी लाइन अभी डेवलप हो रही है कि जिसमें सिर्फ आपको डेटा एनालिसिस करना है, जैसे बिग डेटा एनालिटिक्स है, राइट? जैसे गूगल एनालिटिक्स है, गूगल टैग मैनेजर है, गूगल 360 एनालिटिक्स है, ये सारी ब्रांचेज अभी डेवलप हो रही है. तो ये आप बोल सकते हो कि 1 या 2 साल में कई सारी कंपनियों को ऐसे बंदे चाहिए होंगे जो सिर्फ डेटा को एनालाइज करके उनको प्रेडिक्शन दे सके, राइट? करेक्ट. तो ये भी एक है, और ये दिस इज ओनली बिकॉज कि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे डेटा प्रोड्यूस होते हैं, जनरेट होते हैं. नंबर टू, कि आप किस तरीके से 15,000 रुपीज या उससे ज्यादा अर्न कर सकते हो, राइट? जैसे मैंने बताया कि भाई यू कैन इजिली अर्न 15,000 रुपीज या मोर विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. तो कैसे?
तो बहुत ही सिंपल तरीका है, सपोज ये फ्रीलांसर है, राइट यहाँ पर जिसको भी एसईओ की जरूरत रहती है वो लोग यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट को पोस्ट करते हैं। जैसे उन्होंने पोस्ट किए $9 per hour, $3 per hour, $285 एवरेज बीड, यानी 18,000 की एवरेज बीड है, राइट। तो ये बहुत सारे ऐसी कितनी पोस्ट अभी उन्होंने रखी है, कितनी पोस्ट है, 6,000+ या 6,500+। तो 6,500+ काम अभी आपके पास रेडी है डिजिटल मार्केटिंग में, अगर आपको आता है तो उसमें से अगर आप एक भी कन्वर्ट कर लेते हो तो मिनिमम यू कैन अर्न 15,000 rupees, मिनिमम एक को भी कन्वर्ट कर लेते हो, क्योंकि ये सारे प्राइस है ये यूएस डॉलर में है, यानी 65 rupees per hour है, जो यहां पर कोई नहीं देने वाला है, सॉरी $9 per hour, एटले 9×54, 500 rupees per hour है, राइट, मोर देन 500 rupees per hour है, राइट, करेक्ट। तो ये आप यहां से 6,500+ आपके पास बोल सकते हो कि अभी काम है, उसमें से अगर 100 को भी आप अप्रोच कर लेते हो और 100 में से एक भी अगर आपको काम दे देता है तो यू कैन इजीली अर्न 15,000 rupees, इजीली, वेरी इजीली, राइट। दूसरा है अपवर्क, ये और एक वेबसाइट है जो फ्रीलांसर से भी अच्छी है, यानी फ्रीलांसर से भी उस पर काम ज्यादा होता है। कितनी अभी कितनी वहां पर है डिमांड, कितने लोगों को चाहिए एसईओ जो जिसको आता है उसके बंदे, अप्रोक्सीमेटली 7,000+, और उनके भी एवरेज रेट काफी अच्छे होते हैं। कितना बजट है इनका, तो कितना हुआ इंडियन रुपीज में, अप्रोक्सीमेटली 65,000 rupees, राइट। इसका कितना है, इसका नहीं लिखा है उन्होंने, इसका कितना एस्टिमेटेड बजट, 600, राइट। तो ये और एक अच्छी वेबसाइट है जहां से आप डिजिटल मार्केटिंग का काम बहुत ही आसानी से ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको, आपने आज स्टार्ट किया तो आज मिल जाएगा, मिनिमम 6 months की एफर्ट लगानी पड़ेगी, क्योंकि यू आर नॉट द ओनली वन हु इज गोइंग टू बीड ऑन दिस प्रोजेक्ट, राइट, देर आर मोर देन 100 पीपल हु इज गोइंग टू बीड ऑन दिस प्रोजेक्ट। लेकिन अगर आपने 6 महीने तक इसमें कंटिन्यूस सीखने के बाद काम रखा तो कन्फर्म आपको मिलेगा। उसके बाद है फाइवर, फाइवर आर, राइट। तो ये फाइवर आर ऐसा है कि आप आपकी प्रोफाइल को बना दो और यहां पर अपलोड कर दो, आपको जो भी चीज आती है, ऐसा नहीं है, तो मैं सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ का एग्जांपल दे रहा हूं, आपको जो चीज में एक्सपर्टीज है वो चीज आप यहां पर रख सकते हो, राइट। तो वो चीज आपने यहां पर रख दी और जिसको भी आप जो सर्विस दे रहे हो उसकी जरूरत होगी तो वो यहां से आपको ढूंढकर आपको कॉन्टेक्ट करेगा, क्लियर। तो ये तीनों की तीनों जगह ऐसी है जहां से आप घर पर बैठे आराम से 10,000 से 15,000 rupees कमा सकते हो, आराम से, राइट। उससे ज्यादा तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा आप कमा सकते हो। अगर आपको जॉब करनी है शुरू में तो इंडिया में 500+ ई कॉमर्स की कंपनियां है जहां पर आपको एज अ डिजिटल मार्केटर की जॉब मिल सकती है। अगर आपको अहमदाबाद की कंस्ट्रेंट नहीं है कि भाई अहमदाबाद में ही रहना है, ऐसी आपकी कंस्ट्रेंट नहीं है, तो आप फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, राइट, ईबे है, ऐसी बड़ी कंपनियों में भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर अहमदाबाद में भी 1,000+ कंपनियां है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ SEO jobs in Ahmedabad, सिर्फ आपको अहमदाबाद में ही करनी है सपोज, समझ लो, कितनी वैकेंसी है अभी, 484, सिर्फ अहमदाबाद में ही 484 वैकेंसीज है, यानी 484 में से
अगर आप 50 में भी अप्लाई करोगे तो एक में तो कंफर्म सिलेक्ट हो जाओगे. दिस इज द डिमांड इट हैज इन अहमदाबाद. राइट, चेन 400 प्लस नंबर टू. ओके, यहाँ पर मैंने बताया ये ऑलरेडी. अगर आपको ऐसी कंस्ट्रेंट नहीं है कि आपको अहमदाबाद में ही करनी है और पूरा इंडिया, इफ योर टारगेटेड पूरे इंडिया में आप कहीं पर भी अगर आपको जॉब करनी है तो कितनी वैकेंसी है अभी, कितनी है? 70,000 प्लस, इतनी डिमांड है अभी इसकी. इसका एक रीजन ये भी है क्यों इसकी इतनी डिमांड है, क्योंकि अभी तक कोई भी यूनिवर्सिटी में ये कोर्स नहीं चल रहा है. नॉट इन गुजरात यूनिवर्सिटी, नॉट इन सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी एंड नॉट इन सरदार पटेल यूनिवर्सिटी. कोई भी यूनिवर्सिटी में ये कोर्स अभी नहीं चल रहा है. राइट, हमारे यहाँ पर एक ट्रेडिशन है कि जो चीज़ आउटडेटेड हो जाए वो सिलेबस में इंट्रोड्यूस करो. राइट, तो जब ये आउटडेटेड हो जाएगी तब ये सिलेबस में इंट्रोड्यूस करेंगे ये लोग. करेक्ट, तो दैट इज द अनदर रीजन कि इसकी डिमांड के सामने सप्लाई बहुत कम है. अभी डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई नहीं है, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटीज अभी इसको सिलेबस में नहीं है किसी भी यूनिवर्सिटीज को. हाउ यू कैन ग्रो योर बिजनेस, ये हमने सोच लिया फ्रॉम द जॉब पॉइंट ऑफ व्यू. अभी हम सोचते हैं कि फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. तो सबसे पहले तो आप आपके गूगल लोकल बिजनेस पेज को बनाकर उसको प्रमोट कर सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. राइट, मैंने लास्ट ईयर मेरे यहाँ पर एक नज़दीक में ही एक एसी रिपेयरर वाला बंदा रहता है, एसी रिपेयरिंग का काम करता है, उसकी मैंने यहाँ पर फ्री में लिस्टिंग करवा के दी थी. राइट, उसने मेरी सर्विस अच्छी की थी एसी की, तो एज अ कॉम्प्लीमेंट मैंने उसको ये बनाकर दी थी कि भाई मैं तुमको बना कर देता हूं. अभी आप सर्च करोगे गूगल पर एसी सर्विस रिपेयर इन मणिनगर या सर्विस इन मणिनगर, आपको गोपी करके उसका नाम है, शायद इंटरनेट नहीं चल रहा है. ओके, आ गया, आ गया. गोपी एंटरप्राइज एयर कंडीशनिंग सर्विस एंड रिपेयर. राइट, वो महीने की उसको 10 लीड यहाँ से आती है. इससे पहले वो जस्ट डायल पर करता था जो उसको 3,000 रुपीज पर मंथ पे करता था, अभी यहाँ पर फ्री में उसकी लिस्टिंग आ रही है. तो ये आपके बिजनेस के लिए भी कर सकते हो या फिर और किसी के बिजनेस के लिए भी कर सकते हो. एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट. नो डाउट आप वो सीखोगे यहाँ पर कि कैसे टॉप में आना है, क्योंकि यू आर नॉट दी ओनली वन हु इज सपोज टू प्रोवाइड दिस सर्विस. लेकिन आप ये फ्री में लिस्टिंग तो एटलीस्ट कर ही सकते हो. कैसे टॉप में आना है वो मैं आपको ट्रेनिंग के दौरान सिखाऊंगा कि इसको कैसे टॉप में लाना है. क्लियर, उसके बाद है. तो ये एक तरीका है कि आप फ्री में आपके बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो लोकली. उसके बाद है फेसबुक पर भी आप आपका पेज बना सकते हो. यहां पर या लिंक्डइन पर भी आप आपका पेज बना सकते हो. राइट, अगर आपका B2C है
बी टू सी टारगेटेड ऑडियंस है यानी बिजनेस टू कंज्यूमर है देन फेसबुक इज द राइट प्लेटफॉर्म और अगर बी टू बी है यानी बिजनेस टू बिजनेस है देन लिंक्डइन इज द राइट प्लेटफॉर्म राइट. तो उसके तरीके से आपका जो टाइप का ऑडियंस है वो टाइप से आपको यहाँ पर आपकी प्रोफाइल को बनाकर उसको रेगुलर तौर पर अपडेट करते रहना है और वो अपडेट करोगे तो धीरे धीरे आपकी ब्रांडिंग होगी और ब्रांडिंग होने के बाद आपको उसमें से लीड भी मिलनी चालू हो जाएगी. क्लियर. और वो भी फेसबुक पर नॉर्मल मार्केटिंग फ्री है लेकिन अगर आपको प्रमोट करना है उसको तो पे करना पड़ेगा लेकिन वो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है. आप 100 रुपीज से भी 2000 लोगों को रीच कर सकते हो ओनली 100 रुपीज राइट. तो ये यहाँ पर ये मेरा पेज है राइट और यहाँ पर मेरी पोस्ट है. उसके बाद है कि आप Amazon पर आपकी प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट कर सकते हो, Flipkart पर स्टार्ट कर सकते हो, ट्रेड इंडिया, इंडिया मार्ट उसके ऊपर भी आप स्टार्ट कर सकते हो. लेकिन उसमें चैलेंज क्या है? चैलेंज यही है कि आप अकेले नहीं होंगे जो वहां पर सेल कर रहे होंगे, आपके जैसे कई सारे बंदे भी होंगे. तो किस तरीके से आपको कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है, प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कैसे करना है, प्रोडक्ट की इमेज कैसी रखनी है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, वो सारी चीज आपको डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग के दौरान पता लगेगा. क्योंकि वो चीज अगर आपकी अप टू द मार्क होगी तो आपका कन्वर्जन रेट ज्यादा होगा. यानी 100 बंदे अगर उनकी बीपी का इंस्ट्रूमेंट देखने के लिए आए तो अगर उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट को रख दिया है तो उसमें से हो सकता है एक भी बंदा वो प्रोडक्ट परचेज ना करे. लेकिन उन्होंने अलग अलग एंगल के फोटोज रखे, टॉप में से कैसा दिखता है, बॉटम से कैसा दिखता है, फ्रंट से कैसा दिखता है, पीछे से कैसा दिखता है और उसकी 30 सेकंड की वीडियो वो अगर रख दी है तो कंफर्म वो चलेगी. उसको कितना इजी यूज है उसका एक वीडियो बनाओ. इट इज वेरी सिंपल टू यूज द इंस्ट्रूमेंट. और कई सारे केसेस में तो कंपनियों वाले ही देते हैं वैसे वीडियो कि भाई आप ये वीडियो यूट्यूब पर रखा हुआ है वो आप जहां पर भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो वहां पर आप रख सकते हो. तो ऐसी अगर आपकी लिस्टिंग होगी तो द प्रोबेबिलिटी विल गेट इंक्रीज कि ज्यादा लोग उसको परचेस करेंगे. उसके बाद है कि आप आपकी खुद की वेबसाइट को बनाकर जो मिनिमम 25 to 30,000 में बन जाएगी उसको बनाकर भी जैसे उन्होंने बताया था आप जो भी बंदा ऑल ओवर द वर्ल्ड ढूंढ रहा है वहां तक आप पहुंच सकते हो राइट. जैसे अभी मैं मेरी जो दूसरी एक कंपनी है वो शाउट एंड हाइक है जहां पर मैं सर्विस देता हूँ ट्रेनिंग इन एसईओ से. मैं ट्रेनिंग देता हूँ दिन के 1 घंटे और रिमेनिंग टाइम हम जो 10 बंदे हैं वो लोग सर्विस देते हैं डिजिटल मार्केटिंग में. तो अगर आप यहां पर सर्च करते हो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन अहमदाबाद तो शाउट एंड हाइक आ गई 133 चिनुबई टावर और यहां पर भी आपको मेरी दिखेगी ये रही शाउट एंड हाइक जिससे मुझे महीने की 50 लीड आती है और 50 में से 2 लीड में कन्वर्ट कर लेता हूं जिसकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू होती है 40,000 रुपीज और वो क्लाइंट मेरे साथ 6 महीने तक रहता है राइट. सो दिस इज द पोटेंशियल दिस लाइन हैज. अगर आपने वेबसाइट बना दी और अगर आप टॉप में आ गए जैसे यहां पर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट सपोज आप यहां पर इन अहमदाबाद चिराग शाह राइट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग चिनुबई टावर ट्रेनिंग इन एसईओ और यहाँ ये भी मेरा ही एड्रेस है. पहले मैं घर पर देता था अभी मैं चिनुबी टावर में दे रहा हूँ राइट. तो पहले 5 में से पहले 4 में से 3 रिजल्ट तो मेरे ही है
ये भी मेरा है, आपको नंबर सेम दिखेगा तो पता लग जाएगा ये भी मेरा है और ये भी मेरा है, राइट। तो एक भी रुपए का पेड मार्केटिंग करे बिना मैं मंथली 3 से 4 लाख का टर्नओवर कर देता हूँ। एक भी रुपए का मैं पेड मार्केटिंग नहीं करता और मुझे अभी चालू हुए 1 साल ही हुआ है, नॉट मोर देन 1 ईयर, राइट करेक्ट। ये तो मैंने अभी अहमदाबाद में लाया हूँ, मेरा गोल है कि मैं 6 महीने के बाद यूके में आने वाला हूँ, राइट। यूके में मैंने एड्रेस ले लिया है, आपको यहाँ से मिल जाएगा। मैं आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटी एक्सप्लेन करता हूँ। ये मेरी वेबसाइट है, तो द थिंग इज दैट कि एक बार अगर आप टॉप में आ गए या आपको पता लग गया कि किस तरीके से टॉप में आना है तो आप इजीली ये बेनिफिट को लेवरेज कर सकते हो, राइट। ये इंडीड है एट द एंड ऑफ द कोर्स, कोर्स खत्म करने के बाद आप में क्या क्या वैल्यू एडिशन होगी ये यहां पर मैंने लिखा है। तो सबसे पहले आप ये सीख जाओगे कि किसी भी वेबसाइट को गूगल पर टॉप में किस तरीके से लाना है आपके बिजनेस के रिलेटेड, दैट इज नंबर वन थिंग यू विल लर्न। जैसे होलसेल इलेक्ट्रॉनिक्स मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन अहमदाबाद, अगर वो कीवर्ड से वो टॉप में आ गए तो उनको कंफर्म 1 महीने की 7 से 17 लीड मिलेगी मिलेगी और मिलेगी, राइट। तो सबसे पहले वो सीखोगे आप कि गूगल पर आपके टारगेटेड ऑडियंस जो कीवर्ड से ढूंढ रहा है, इट इज कॉल्ड कीवर्ड, जो आप गूगल सर्च क्वेरी में डालते हो वो कीवर्ड है, उससे कैसे टॉप में आना है वो आप सीख जाओगे एसईओ में। दूसरी चीज आप ये सीखोगे कि आपकी प्रोडक्ट को लिंक्डइन या फेसबुक पर कैसे प्रमोट करना है। अभी मैं आपको जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने सिर्फ 2000 रुपीज में 200 लीड जनरेट की थी, मोर देन 200 डिजिटल मार्केटिंग के लिए, राइट। तो वो कैसे आप कर सकते हो आपके बिजनेस के लिए वो आप सीख जाओगे विद द हेल्प ऑफ फेसबुक, विद द हेल्प ऑफ लिंक्डइन, व्हाट एवर द ऑडियंस यू हैव, राइट। तीसरी चीज आप ये सीखोगे कि पूरे डेटा को एनालाइज किस तरीके से करना है। गूगल एनालिटिक्स करके एक फ्री टूल है जिससे आप ये एनालाइज कर सकते हो कि कितने विजिटर्स आए, कितने टाइम उन्होंने आपकी वेबसाइट पर स्पेंड किया, कौन से दिन आपको ज्यादा विजिटर मिलते हैं, कौन से टाइम पर ज्यादा विजिटर मिलते हैं, कौन से टाइम पर वो ज्यादा कन्वर्ट होते हैं, कन्वर्ट मानी इंक्वायरी देते हैं, वो सारी चीज आप एनालिटिक्स से पता कर सकते हो और उसके हिसाब से आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, क्लियर। तो ये सारी चीज, ईमेल मार्केटिंग भी आप सीख जाओगे कि किस तरीके से ईमेल करना है, SMS मार्केटिंग, WhatsApp मार्केटिंग। आप सब लोगों को WhatsApp का मैसेज मिलता था, WhatsApp पर मैसेज मिलता था कि नहीं मिलता था? यू रिसीव द मैसेज ऑन द WhatsApp? नहीं, किसी को भी नहीं मिला है, मिला है कि नहीं मिला है? आपने जो नंबर दिया था उस पर WhatsApp था, हाँ, तो फिर कैसे मिलेगा, राइट right? ओके okay. और लास्ट है SMS तो मिलते थे ना, लास्ट है वीडियो मार्केटिंग। तो वीडियो मार्केटिंग किस तरीके से करना है और SMS मार्केटिंग किस तरीके से करना है। हम लोग 2 सर्टिफिकेशन आपको दिलवाएंगे, एक है गूगल एडवर्ड्स, दूसरा है गूगल एनालिटिक्स। ये सर्टिफिकेशन को लेकर आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये ऐसा नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी लाइन में अगर आपने इंडिया से कुछ किया है तो US में नहीं चलता है, यू हैव टू गिव एग्जाम्स देयर एज वेल। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आप डिजिटल, क्योंकि गूगल तो सभी जगह पर एक ही रहने वाला है, उसका अल्गोरिदम एक ही रहने वाला है, सेम फॉर द फेसबुक, सेम फॉर द लिंक्डइन, सेम फॉर द एनी अदर प्लेटफॉर्म। तो जो चीज आप यहाँ पर बैठ के कर सकते हो वही चीज अफकोर्स आप, वही टेक्निक्स है वहां पर भी आप वो काम कर सकते हो। तो दैट इज द अनदर रीजन कि अगर आप ये सीखने के बाद बाहर जाने की इच्छा है तो वहां पर भी आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, राइट। जैसे अगर मैं यहां पर ढूंढा, मैंने कि डिजिटल मार्केटिंग
सैलरी बोलो कहाँ पर जाना है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड, कितने डॉलर है, यानी महीने के कितने हुए, 5,000 यूएस डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर। 35 का रेशियो है ना, तो 5 * 15 ने 5 * 5 = 25, 1,75,000 था ना, राइट। वहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है, न्यूजीलैंड में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है कंपेयर टू अदर कंट्री, राइट, करेक्ट। तो दिस इज द डिमांड इन न्यूजीलैंड, आप किसी भी कंट्री को, किसी भी कंट्री के लिए चेक कर सकते हो, राइट। ऑस्ट्रेलिया में इसकी ज्यादा डिमांड है जब तक मुझे पता है। कितनी है, 64,000, लेकिन ऑस्ट्रेलियन डॉलर 50 रुपीज है, राइट राइट। ये सब कुछ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये गूगल बोल रहा है, राइट। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि जो मैं आपको गलत डिलीवर कर रहा हूँ, ये सब कुछ जो और इंडस्ट्री में चल रहा है वही चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये दोनों सर्टिफिकेट हम आपको देंगे, इसकी कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है, राइट। सैलरी ग्रोथ, तो आप कितनी सैलरी आपको मिल सकती है, तो बेसिकली इसमें क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप जो भी यहां पर सीखो वो अगर आपने प्रैक्टिकल किया, क्योंकि प्रैक्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं किया तो ये फायदा नहीं होने वाला है। कल ही मैं गूगल टैग मैनेजर सीख रहा था, राइट, मैं मुझे भी अभी सीखना पड़ता है, राइट, क्योंकि नई बहुत सारी चीज ऑन डेली बेसिस आती है। तो अगर मैं वो चीज 10 अलग अलग डोमेन पर इंप्लीमेंट करूंगा तो मेरे दिमाग में वो तुरंत ही बैठ जाएगी। तो वही चीज आपको जो भी यहाँ पर मैं सिखाता हूँ या हम लोग सिखाते हैं, वो आपको घर पे जाके 2 वेबसाइट पर काम करना है। और अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो हम लोग आपको देंगे, लेकिन अगर आपने वो चीज 2 डोमेन पर की तो सभी कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और वो चीज से आप कंफर्म 10 to 15,000 की सैलरी कंफर्म आपको मिलेगी। कई बार तो ऐसा होता है कि यहाँ पर ही 2-3 लोग ऐसे बिजनेसमैन होते हैं कि वही बोलते हैं कि नहीं मुझे लेना है, आप मेरे यहाँ पर आ जाना, राइट। कई बार ऐसा होता है, या हम लोग ही ले लेते हैं क्योंकि अभी हमारे यहाँ बहुत काम है, अभी हमारे पास तो हम लोग ही ले लेते हैं फिर उसको, अगर बंदा अच्छा है और सिंसियर है हम लोग ले लेते हैं, राइट। तो आपको कंफर्म पहले साल में 10 से 15,000 की सैलरी मिल जाएगी कंफर्म। और अगर आपने नया सीखना चालू रखा और आप मार्केट से साथ अपडेटेड रहे तो आप 5 साल में 50,000 तक आराम से पहुंच सकते हो और 9 साल में 1,00,000 रुपए तक कंफर्म पहुंच सकते हो, कंफर्म, राइट। 2 साल पहले शाही बाग में ब्लर पॉइंट करके कंपनी है, राइट, ब्लर पॉइंट करके वेब डेवलपमेंट कंपनी है, उसने मुझे 2 साल पहले 1.5 लाख रुपए की सैलरी ऑफर की थी। 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अभी होता तो कदा 2.5 लाख वो देते, लेकिन मुझे ये स्टार्ट करना था इसलिए मैंने जॉब नहीं ली। द डिमांड इज दैट, मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो दैट इज द डिमांड, ये डिमांड है इसकी, द ओनली थिंग। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जितने साल बीतते गए तो इतना ग्रोथ होता ही जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सरकारी नौकरी जैसा नहीं है कि भाई 5 वर्ष थी गया तो कंफर्म तुमने आटलो ग्रोथ मिली जैसे, ऐसा नहीं है। आपको मार्केट के साथ अपडेटेड रहना पड़ेगा कि अभी क्या चल रहा है और मेरे में मैं क्या वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ। ये अगर 2 चीज आपने की तो कन्फर्म आपको कोई नहीं रोक सकता कि आपको 9 साल में 1,00,000 रुपए तक पहुंचने में, कोई नहीं रोक सकता, या 5 साल में 50,000 तक पहुंचने में कन्फर्म आप पहुंच जाओगे। ये पे स्केल है जो अभी मैंने आपको बताया न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए। व्हाई यू नीड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की क्यों जरूरत है, हाँ बुला लो, बुला लो, हाँ बुला लो, बुला लो।
बुला लो आप, कोई बात नहीं, बुला लो। व्हाई यू नीड ट्रेनिंग? ट्रेनिंग की क्यों जरूरत है? क्योंकि कोई भी कंपनियां सिखाती नहीं है। क्यों नहीं सिखाती है? बिकॉज ऑफ टू रीजन। एक तो ऑलरेडी हमारे पास जो बैठे हैं, ये मेरे फ्रेंड है, जिनको ये लाइन में 6 वर्ष में तो करो ना संजय जी, 6+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, राइट? कोई भी कंपनियां सिखाती नहीं है। क्यों नहीं सिखाती है? बिकॉज ऑफ टू रीजन। केम नहीं सिखवाती संजय जी? सबसे पहले आपके ऊपर जो रहता है ना, उसको ये डर रहता है कि अगर मैं सब कुछ इसको सिखा दूंगा तो ये मेरे से आगे निकल जाएगा। फियर फैक्टर, साइकोलॉजिकल फियर होता है, अगर ये सीख गया तो फिर मेरी मोनोपोली चली जाएगी, राइट? एंड नंबर टू, कंपनी को ये डर रहता है कि अगर ये सीख गया तो ज्यादा सैलरी मांगेगा, राइट? तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जो आता है उसमें ही आपको वही काम करवाते हैं, आपसे नया कुछ सिखाते नहीं है। कई बार ऐसा होता है जब मैं इंटरव्यू लेता हूं तो कई बार कई सारे लोग मुझे ऐसा बोलते हैं कि भाई आप मुझे वही सैलरी देना या कम देना, लेकिन सिखाना, क्योंकि अगर मैं सीखता हूं तो ही एक साल के बाद जो मैंने प्रोजेक्शन बताया था उसके हिसाब से मेरा प्रोग्रेस होगा, वरना नहीं होगा। नंबर टू, आपको सभी चीज जो अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा कि कौन कौन सी चीज मैं सिखाने वाला हूं, वो सभी चीज आपको 2 से 4 महीने में आप सीख जाओगे, सभी चीज सीख जाओगे। जो भी डिजिटल मार्केटिंग के 5-5 साल वालों को नहीं पता होती, वैसी भी चीज आप सीख जाओगे। नंबर थ्री, जैसे ही आपने सीखा तो आप इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ट्रेनिंग के दौरान या ट्रेनिंग के बाद। आप जैसे मैंने अभी Indeed.com पर और Naukri.com पर आपको डिमांड दिखाई, वो सभी जगह पर आप सीख कर अप्लाई कर सकते हो। अभी आज ही मुझे आया है, कल ही आया था कि हमको कैंडिडेट चाहिए। देखो, है कहां पर गया? लुकिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लाइक यू। ना ये नहीं है, नहीं इसमें नहीं होगा तो ट्रेनिंग इंक्वायरी में होगा। लिखा है रिक्वायर्ड ट्रेनिंग SEO, लिखा है, ये कल ही आया है। IIEM ग्लोबल ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड, क्लियर? तो इसकी डिमांड बहुत है और ऐसे मुझे 1 महीने में मिनिमम 50 से 60 इंक्वायरी आती है, और वो हम फेसबुक के पेज पर पोस्ट कर देते हैं। जो भी इंक्वायरी आती है वो फेसबुक के पेज पर पोस्ट कर देते हैं, राइट? तो जैसे मैंने बताया कि आप कंफर्म, आपको जॉब तो कंफर्म मिल जाएगी, और अगर आपको जॉब नहीं करनी और खुद का बिजनेस भी प्रमोट करना है तो भी, जैसे गोपी एंटर एयर कंडीशनर वालों को मैंने करके दिया था, वैसे आप मिनिमम पूरी ट्रेनिंग में 20 से 25 चीज तो सीख ही जाओगे कि जिससे आप आपका बिजनेस प्रमोट कर सकते हो ऑनलाइन, राइट? क्लासरूम ट्रेनिंग की क्यों जरूरत है? क्योंकि अभी बहुत सारी जगह पर ये ट्रेनिंग ऑनलाइन भी अवेलेबल है। सो व्हाई द क्लासरूम ट्रेनिंग? आप बताओ क्यों क्लासरूम ट्रेनिंग की जरूरत है? इसमें सबसे पहला चीज ये रहती है कि आपकी उसमें उतना फोकस नहीं रहता। आप आज ने आप बैठे हुए हो और कोई फ्रेंड आ गया आपका, राइट? तो वो तुरंत ही आपका ध्यान वहां से हट जाएगा, और कंफर्म ऐसा ही होता है। लेकिन वही चीज आप जैसे यहाँ पर बैठे हो, आपका पूरा फोकस यहाँ पर ही है और किसी जगह पर नहीं, तो योर लर्निंग विल बी डेफिनेटली मोर कंपेयर टू दी ऑनलाइन ट्रेनिंग। नंबर टू, जैसे उन्होंने बताया कि ये मेरा डाउट है, तो वैसे सारे डाउट आप तुरंत ही
क्लियर कर सकते हो, वीडियो में आप पॉज करके क्लियर नहीं कर सकते, वो तो देखना ही पड़ेगा लास्ट तक, राइट? दैट इज नंबर टू. नंबर थ्री नेटवर्किंग होगा आपका. और कोई बंदा क्वेश्चन पूछता है तो उससे भी आपको भी सीखने को मिलता है कि भी ये इसने क्वेश्चन पूछा तो ये मुझे भी सीखने को मिला, राइट? ये सारी चीज क्लासरूम में ही पॉसिबल है, ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है. क्लियर? दैट इज वाई क्लासरूम ट्रेनिंग इज मोर इफेक्टिव कंपेयर टू ऑनलाइन ट्रेनिंग. यहां से क्यों ट्रेनिंग लेनी चाहिए? यहां से इसलिए ट्रेनिंग लेनी चाहिए क्योंकि हम लोग जो कोई नहीं देता है पूरे इंडिया में, पहले 3 लेक्चर फ्री देते हैं. सपोज ये आपका डेमो है, इसके बाद और 2 लेक्चर आगे के मैं आपको फ्री में दूंगा. हमारा यही पर्पज है शुरू से कि वैसे ही बंदों को ट्रेनिंग देनी है जिसको ये करना है. ऐसे किसी को ट्रेनिंग नहीं देनी है कि फीस जमा कर दी है इसलिए अभी जाना पड़ेगा, राइट? ऐसे किसी को हमको ट्रेनिंग देनी ही नहीं है या ऐसे किसी के पैसे लेने ही नहीं है जिसको 3 लेक्चर के बाद दिमाग में बैठे कि ये मैं कर सकता हूं, नंबर 1. एंड नंबर 2 कि ये जो सिखा रहा है वो मुझे पता चलता है, वो अपने आप फीस अपने आप जमा करके ही जाता है. क्लियर? तो 3 लेक्चर हम लोग इसीलिए फ्री देते हैं जो और कोई नहीं देता है अहमदाबाद या पूरे इंडिया में, क्योंकि कोई कॉलेज वो कहते कि भाई पहला 3 लेक्चर भरो पछी पैसा आप दो, पहला 2 लाख रुपया मूको पछी तुमने एडमिशन आपीस, राइट? करेक्ट? पछी एमा फायू तो है ने ना फायू तो है, तुम्हारे करू उच पड़े, राइट? लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है. 3 लेक्चर भरो. अगर आपको 3 लेक्चर भरने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं है तो 4 लेक्चर भी भर सकते हो. उसके बाद इफ यू फाइंड दैट यू कैन डू इट, देन यू कैन एनरोल फॉर द कोर्स. नंबर 2, ये भी चीज और कोई नहीं करता है. नॉर्मली क्या होता है कि जो ट्रेनर होता है ना वो इंडस्ट्री में काम नहीं करता है. नॉर्मली आपके, मैं एमएससी विद मैथ्स कर ली तो हमारा क्या रे, कोई प्रोफेसर है મને યાદ નથી કે કોઈ ફિલ્ડમાં જઈને કામ કર્યું હોય. એમણે ખાલી ટીચિંગ જ કરી હોય. હવે તમે જ્યારે આપ જબ સિર્ફ ટીચિંગ કરતે હો ને તો આપકો યે નહીં પતા હોતા કે ફિલ્ડ મેં ક્યા ચલ રહા હૈ, રાઈટ? 1960ની થિયરમ શીખવાડીને તમે છોકરાઓને શું શીખવાડવાના છો, રાઈટ? 1960 પછી તો કેટલું ડેવલપમેન્ટ થઈ ગયું, રાઈટ? તો વોહી રહેતા હૈ. ઉનકો પતા હી નહીં હોતા હૈ કે લેટેસ્ટ ફિલ્ડ મેં ક્યા ચલ રહા હૈ. तो ट्रेनर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि उसको सबसे पहले तो अभी वो फील्ड में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दैट इज नंबर 1. और नंबर 2, उसको सिखाना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है. अपनी कॉलेज में भी जो घना बदा प्रोफेसर था कि जमनी जोड़े नॉलेज बहुत थी पर हारू आपने कशु ना सिखवाड़ी सके, राइट? केम? कारण के एमनो एक्सप्लेनेशन पावर नहीं. तो आपको 2 चीज चाहिए. पहले तो जो आपको ट्रेनर सिखा रहा है वो अभी फील्ड में काम करता होना चाहिए, तो उसको पता हो कि मार्केट में लेटेस्ट क्या चल रहा है. एंड नंबर 2 कि उसको उसका एक्सप्लेनेशन पावर ऐसा होना चाहिए या उसको और किसी में वैल्यू एडिशन करनी अच्छी लगती होनी चाहिए तो ही वो आपको सिखा पाएगा, वरना वो नहीं सिखा पाएगा. सिर्फ पैसों के लिए करता होगा तो वो नहीं सिखा पाएगा, वरना क्या होगा, आप 2 क्वेश्चन करोगे ना तो उसको फिर गुजरा अकड़ाई जैसे एम कि भाई आ बता शू क्वेश्चनों कर कर कराए, राइट? करेक्ट? तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना. तो मैं खुद एडवर्ड और एनालिटी का सर्टिफाइड हूं, राइट? जो आपको यहां से मिलेगा. वो यहां पर लोड हो जाए तब हम आगे चले जाते हैं. मैंने अभी तक 200+ कैंडिडेट को ट्रेन किया है और 1000+ वेबसाइट को मेरे 10 साल के करियर में ऑप्टिमाइज किया है. व्हाट आई मीन बाय ऑप्टिमाइज, मैं टॉप में लाया हूं, राइट? तो मुझे कई सालों का एक्सपीरियंस है ये फील्ड में प्रैक्टिकल. हमारे साथ में 100+ प्लेसमेंट रिकॉर्ड है हमारा और 10,000 to 15,000 रुपीज की सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. अगर किसी का कोई भी इंस्टीट्यूट है
जो ये सिखा रही है वो कैसा सिखाती है? अगर वो क्रॉस चेक कर रहा है तो आप कैसे क्रॉस चेक करोगे? जिसने भी यहाँ पर सिखा है वो लोग क्या बोलते हैं ये ट्रेनिंग के बारे में या इंस्टीट्यूट के बारे में, वो आपको पता लग जाएगा कि भाई यहाँ से सीखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, राइट? तो आप हमारे कोई भी रिव्यूज देख लो यहाँ पर, राइट? आप किसी को भी यहां पर देख सकते हो, ये सभी यहां पर उन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है, तो आप किसी को भी यहां से कांटेक्ट करके पूछ सकते हो कि हाउ यू फाइंड दिस ट्रेनिंग, किसी को भी पूछ सकते हो, एनीवन आउट ऑफ 35, टोटल 60 रिव्यूज है, कई सारे रिव्यूज मेरे मणिनगर वाले एड्रेस पर है और ये चिनुबई वाले एड्रेस पर है, तो आप इसी में से किसको भी पूछ सकते हो, राइट? सो दैट इज अवर क्रेडिबिलिटी। तो ये हमारा 4.9 एवरेज रेटिंग है आउट ऑफ 5, विच इज एक्सीलेंट। उसके बाद है हमारे 100 प्लस प्लेसमेंट पार्टनर है, यानी ये यहां से किसी को भी अगर ट्रेनिंग लेनी होती है तो वो नॉर्मली हमको कांटेक्ट करते हैं। राइट? ये हमारे सभी प्लेसमेंट पार्टनर है, राइट? इसमें से आप कोई भी कंपनी में अगर डिजिटल मार्केटिंग की उनको जरूरत रहती है तो वो हमको कांटेक्ट करते हैं और वो हम यहाँ पर फेसबुक के पेज पर पब्लिश कर देते हैं, जैसे मैंने अभी आपको वो कंपनी का बताया उस तरीके से। हमारी जो टीचिंग स्टाइल है वो इस तरीके की है, राइट? ये लर्निंग पिरामिड है। ये क्या बताता है आपको कि सिर्फ आप लेक्चर अटेंड करोगे यानी सिर्फ सुनोगे तो आप सिर्फ 5% चीज यहां से लेकर जाओगे। अगर मैंने 100 बात बताई है तो 5 चीज आपको दिमाग में बैठेगी, लेकिन आपने टू वे कन्वर्जेशन में पार्टिसिपेट किया है यानी डिस्कशन किया है तो आप 50% तक पहुंच जाओगे, जो ऑनलाइन ही पॉसिबल नहीं है, ऑफलाइन ही पॉसिबल है। अगर मैंने आपको जो भी चीज बताई वो डेमोन्स्ट्रेशन के साथ बताई यानी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया, जैसे एसी में किसका एग्जाम्पल दिया, गोपी का, वो तुरंत दिमाग में बैठ जाएगा, राइट? यानी मैंने अगर उसका कोई लाइव केस स्टडी के साथ मैंने उसको एक्सप्लेन किया तो वो चीज आपके दिमाग में हमेशा बैठ जाएगी, करेक्ट? उसके बाद है कि अगर आपने यही चीज घर पे जाके की या यहां पर बैठ के की तो ये लर्निंग आपकी बढ़ जाएगी 75% कंफर्म। और अगर आपने ये चीज किसी को सिखाई घर पे जाके, आज आपने जितना भी आपने नॉलेज लिया है या लर्न किया है वही चीज अगर आपने घर पे जाके और किसी को बताया तो कंफर्म ये चीज आपको लंबे समय तक याद रहेगी और वो हो जाएगी 90%। तो अभी आपके हाथ में है कि आपको 5% पर रहना है या कितने परसेंट पर रहना है, वो आपके हाथ में। हमारा रोल यहां तक है, हमारा रोल 50% तक हमारा रोल है कि हम जो भी सिखाए उसमें टू वे कम्युनिकेशन के लिए आपको एनकरेज करें, डेमोन्स्ट्रेशन के साथ सिखाए, डिस्कशन करने के लिए एनकरेज करें, लेकिन जो रिमेनिंग 75% और 90% है वो आपके हाथ में है, वो हम कुछ नहीं कर सकते, क्लियर? तो ये हमारी टीचिंग स्टाइल है। उसके बाद है कि हम लोग जो भी पढ़ाएंगे वो 100% प्रैक्टिकल होगा, 0% थियरी, 100% प्रैक्टिकल, राइट? किस तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं कि एक डोमेन को केस स्टडी के तौर पर ले लेंगे, राइट? एक ई कॉमर्स वाली वेबसाइट को या सर्विस वेबसाइट को, राइट? और वही चीज हमारी जितनी भी प्रोसेस है, ये मेरी 10 साल की मेहनत है, ये स्प्रेडशीट है, ये स्प्रेडशीट आप
दुनिया के किसी भी कोने पर किसी भी टाइम पर इसको गो थ्रू कर सकते हो, यानी देख सकते हो। राइट तो आपका यहां से स्टार्ट होगा। यहां पर जो टॉपिक लिखे हुए हैं वो सारे टॉपिक एक के बाद एक लेक्चर में ये चलेंगे। एसईओ क्वेश्चनर, यानी सबसे पहले अगर आपके पास क्लाइंट आता है तो कौन कौन सी डिटेल्स क्लाइंट के पास से लेनी है, प्रपोजल कैसे सेंड करना है, स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, वो सारी चीज हम पहले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है डोमेन नेम को कैसे चूज करना है, उसके बाद कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, पेज ऑन पेज कैसे करना है, ये सारी चीज दिस इज अ पार्ट ऑफ द एसईओ। तो ये प्रैक्टिकल एक के बाद एक लेक्चर में हम आपको एक डोमेन के एग्जाम्पल के तौर पर सिखाएंगे। और यहां पर यूट्यूब का वीडियो भी है, राइट? तो यूट्यूब के वीडियो से आप जितने भी लेक्चर होंगे उसके यूट्यूब के वीडियो प्राइवेटली आपके साथ में शेयर करके रखूंगा। तो आप आज नहीं, एक साल बाद भी वो टॉपिक को आपको रिवाइज करना है। जैसे आज का लेक्चर आपको वीडियो मिल जाएगा ट्यूजडे को, उसी तरीके से आपको एक साल के बाद या दस साल के बाद भी उसको रिवाइज करना है। तो इफ यू हैव द वीडियो यू विल हैव द आइडिया दैट हाउ टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर थिंग। क्लियर? तो ये हमारी यूएसपी है, ये प्रोसेस, ये सारी चीज हमने यहां पर बनाकर रखी है। इंटरव्यू किस तरीके से देना है उसकी भी हमने यहां पर प्रोसेस बनाकर रखी है। यहां पर होगा शायद, राइट? तो इसका मैंने ब्लॉग जो लिखा है ये मैंने यहां पर पब्लिश किया है। जिससे आपको इंटरव्यू में सिलेक्ट होने की आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। इंटरव्यू देने से पहले क्या करना है, इंटरव्यू देने वक्त क्या करना है, और इंटरव्यू देते वक्त क्या करना है, इंटरव्यू का कॉल आए तब क्या करना है, ये सारी चीज, और ये कॉमन क्वेश्चंस है। तो ये सारी चीज मैं आपको यहां पर सिखाऊंगा। क्लियर? उसके बाद है कि आप कोई भी दिन यहां पर आकर ट्रेनिंग के दौरान और ट्रेनिंग के बाद प्रैक्टिस के लिए आ सकते हैं 5 to 6:30 में। ऐसा नहीं है कि भाई आपने ट्रेनिंग खत्म कर दी तो तू कौन है, हूं कौन, राइट? इट इज नॉट लाइक दैट, राइट? आप लाइफ टाइम वो लेक्चर फिर से अटेंड भी कर सकते हो, या फिर यहां पर 5 to 6:30 में आकर प्रैक्टिस भी कर सकते हो मंडे टू फ्राइडे, राइट? और आपको जो ट्रेनिंग मटेरियल है, ये जो मैंने अभी आपको बताया, इसका ऐसे एसईओ का भी है, पीपीसी का भी है, गूगल सर्च का भी है, और सोशल मीडिया का भी है। इसका एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम रहेगा, वो भी कोई नहीं देता है। और हमने ये चीज क्यों ऑनलाइन बनाई है कोई बताएगा? Why we have created this sheet online and not the hard copy? Easier access तो है ही, लेकिन उससे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, जैसे मैंने बताया कि ये चीज बहुत ही चेंज वाली लाइन है। ऐसा है, ऐसा नहीं है कि आज आपने जो सीखा वो दो साल तक वही रहने वाला है। इट इज गोइंग टू चेंज ग्रेजुअली। तो जो चेंज होता है ना, वो यहां पर हम लोग एडिट करके रख देते हैं। तो हमेशा आपके पास जो भी रीडिंग मटेरियल होगा वो कैसा होगा? अपडेटेड रीडिंग मटेरियल होगा, और वो वीडियो तो है ही है। क्लियर? करेक्ट? तो ये चीजें सबसे अच्छी, और सेव पेपर, राइट? अगर इंटरनेट है आपके पास तो फिर पेपर के लिए वेस्ट नहीं करना है पेपर को, राइट? तो ये है हमारा टीचिंग स्टाइल। ये मेरा है गूगल एडवर्ड एनालिटिक्स सर्टिफाइड। ये जब मैं अलग मलग करके कंपनी है जहां पर मैं जॉब करता था, मैंने 7 साल वहां पर कंपनी की है, वहां पर काम किया है, वहां पर मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था डिजिटल मार्केटिंग का। तो वो मेरी ये प्रोफाइल है।
कोर्स ड्यूरेशन क्या है और उसकी फीस क्या है और इंस्टॉलमेंट में किस तरीके से आपको पे करना है। तो कोर्स का ड्यूरेशन है, अगर आप हफ्ते में 4 दिन करते हो तो कोर्स का ड्यूरेशन है 2 to 2.5 months, यानी 2 से 2.5 महीना। और उसकी फीस है सिर्फ 19,000 रुपीज़, जो पहले 30,000 थी, लेकिन एक साल खत्म होने के बाद हमने उसको कम कर दिया है, क्योंकि ज़्यादा लोगों को फीस में तकलीफ होती थी, राइट। तो वो अभी हमने कर दिया है 19,000, राइट। और वो आपको 2 इंस्टॉलमेंट में पे करनी है, 10,000 इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड 9,000 इज द सेकेंड इंस्टॉलमेंट। सिर्फ SEO करना है तो उसकी फीस है 10,000 रुपीज़, जो आपको पहले एक इंस्टॉलमेंट में पे करनी है। PPC अगर सीखना है आपको, पेड मार्केटिंग सीखना है, तो उसकी फीस है 8,000, वो भी 1 महीने में कोर्स खत्म हो जाएगा और उसकी फीस है 8,000 रुपीज़। और अगर गूगल एनालिटिक्स या सोशल मीडिया करना है आपको सिर्फ, तो उसकी भी फीस है 7,000 रुपीज़ और वो भी खत्म हो जाएगी 1 से 1.5 महीने में, या 1 महीने में खत्म हो जाएगी। क्लियर। अभी ये है कि आपने जो फी पे की हुई है वो आपको कब तक वापिस मिल जाएगी, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कब मिलेगा, राइट। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि भाई कोई कॉलेज वाले ये नहीं बोलते कि 2 लाख रुपया तुम्हें भरया जाए, राइट। 1 वर्ष ना 2 लाख, 1 वर्ष ना 50,000 भरया जाए, 5 वर्ष ना अथवा तो इंजीनियरिंग 4 वर्ष ना, 4 वर्ष में तुमने सपोज 5 लाख रुपया की कॉस्ट थाई जाए, तो तुमने जो जॉब मिलते 50,000 नहीं मिली जाए, कोई गारंटी आपको नहीं। यहाँ पर आपने जो 19,000 रुपीज़ पे किए है, ये हमारी गारंटी है कि 2 महीने में या 3 महीने में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, कंफर्म मिल जाएगा। यानी अगर आपको 10,000 की सैलरी वाली जॉब मिली तो कितने महीने में आपके 19,000 रुपीज़ वापिस आ जाएंगे, 2 महीने। अगर 15,000 वाली जॉब मिली तो कितने महीने में आ जाएंगे, मोर प्रोबेबली 1.5 months में, राइट। तो कन्फर्म आपको मैक्सिमम 3 महीने में आपने जितने पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं, ये इन्वेस्टमेंट ही हुआ ना, वो आपको 3 महीने में वापस मिल जाएगा। और उसके बाद जो आपने जो आपने की सैलरी मिली आपको, वो है आपका प्रॉफिट। लेकिन उससे भी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने आपके 2 साल बचा दिए, क्योंकि यही चीज अगर आप खुद करने के लिए जाओगे तो आपको वो तुरंत सब कुछ पता नहीं लगेगा, आप ट्रायल एंड एरर के मेथड से सीखोगे, ये किया नहीं चला, दूसरा किया नहीं चला, तीसरा किया चल गया, राइट। तो जो 3 times या 4 times एफर्ट लगाने के बाद आपको जो मालूम चलता है, दिमाग में बैठता है, वो चीज आपको 1/4 या 1/5 एफर्ट में या टाइम में पता लग जाएगा। मैं उसको सबसे इम्पोर्टेंट, उसके बेनिफिट को कंसिडर करता हूँ, क्योंकि जब आप कोई भी लाइन में नए हो तो पैसे इज नॉट, मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट देंगे इसकी आपको वैल्यू एडिशन कितनी हो रही है, आपने नॉलेज कितना मिल रहा है, वो अगर आपको मिल गया 3 महीने में तो फिर ये तो आप कमाई लेने वाले हो, करेक्ट। ये मैंने केस स्टडी किया है, राइट, कि किस तरीके से इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वही लिखा हुआ है। अगर एक्सपीरियंस बंदा है, यानी ऑलरेडी ये फील्ड में है, आप में से है कोई, तो मैं ये डिस्कस करूँ, वरना ये डिस्कस करने की जरूरत नहीं। एनीवन इन दिस ऑलरेडी इन दिस फील्ड नहीं है ना, ओके। बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन को किस तरीके से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सकता है, समझ लो कि अभी आप मंथली लीड आपकी 10 आ रही है, यानी आपने मार्केटिंग वाला बंदा रखा है, जो भी शुरू में ही मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, और वो 15,000 की सैलरी कमीशन को मिला के 10 लीड आपको लाकर देता है। वही चीज अगर आपने इंटरनेट पर स्टार्ट किया, फेसबुक के जरिए या लिंक्डइन के जरिए, वही पैसे में आपको मैं 10 से 50 कंफर्म लीड लाकर दूंगा, कंफर्म, राइट। जो मैंने अनिल एस्ट्रोलॉजर के लिए किया था, ये भाई है जिन्होंने यहाँ से ट्रेनिंग ली थी, जो एस्ट्रोलॉजी की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनकी वेबसाइट भी है यहाँ पर। पहला मैंने हुआ तू कि एस्ट्रोलॉजी तो थोड़ी कोई ऑनलाइन लेतु हुआ, और भयंकर डिमांड, यानी
भयंकर इले अनबिलीवेबल डिमांड, करेक्ट। ये उन्होंने ऑनलाइन चालू किया है और पूरे इंडिया में ये ऐड करते हैं और महीने की 100 लीड उनको ऑन एन एवरेज मिलती है इंक्वायरी, उसमें से उनका 20% उनका कन्वर्जन रेट है, यानी 100 के 100 लोग तो सर्विस नहीं लेंगे, 20 लोग उनकी सर्विस लेते हैं और उनका एवरेज प्रॉफिट मार्जिन है एक लीड का 3000 रुपीज, यानी एक बंदा वहां से एस्ट्रोलॉजी की सर्विस लेता है तो ऑन एन एवरेज उनको 3000 का मुनाफा होता है, जैसे मैंने अभी आपको ट्रेनिंग के बारे में बताया उस तरीके से, तो 60,000 रुपीज को आराम से चर्न कर देते हैं आफ्टर लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग, राइट। तो ये है बिजनेस के हिसाब से इसका बेनिफिट, राइट। तो यहां तक हम लोग, हाँ करेक्ट। और एक चीज है, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस भी देते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सिर्फ ट्रेनिंग नहीं देते। तो ये किसके लिए काम की है, जिसको ये लगता है कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये सारा कुछ सीख पाऊंगा, राइट। आई वॉन्ट इंस्टेंट रिजल्ट, मुझे तो अगर आप नेक्स्ट मंथ 100 लीड लाकर दे सकते हो तो दे दो, मैं पैसा दे दूंगा आपको। तो ये इसके लिए, उनके लिए काम की चीज है। तो हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया, 100+ प्रूवन स्ट्रेटजीज है कि वो स्ट्रेटजीज अगर आपने एग्जीक्यूट किया तो आपको कन्फर्म रिजल्ट मिलेगा। दूसरा कि हम लोग जितने भी लोग यहां पर है उसमें से कई सारे लोग गूगल एडवर्ड्स और एनालिटिक्स के सर्टिफाइड प्रोफेशनल, यानी अच्छे बंदे हैं। अच्छे बंदे होंगे तो कंफर्म आपका काम भी अच्छा होगा। जैसे डिजिटल मार्केटिंग में मैंने आपको फ्री डेमो दिया, उसी तरीके से आपके बिजनेस को किस तरीके से मैं प्रमोट कर सकता हूं, 10 से 100 लीड या 50 लीड को ला सकता हूं, उसके लिए हम लोग सबसे पहले फ्री डेमो देते हैं 1-to-1। सबसे पहले आपको डिटेल देनी पड़ती है और उसके बेसिस पर हम लोग प्रपोजल बनाते हैं, राइट। और वो प्रपोजल के हिसाब से फिर मैं आपको फ्री डेमो देता हूं कि ये चीज करेंगे और ये आपको एट द एंड ऑफ द मंथ ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, करेक्ट। उसके बाद है, मेरे पास 500+ क्लाइंट्स है जिसकी मैंने 100+ वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किया है। ये सारे मेरे क्लाइंट है, राइट, जिसके लिए मैंने पास्ट में काम किया है। अलग मलग है, फॉर एग्जांपल जहां पर मैंने 7 साल काम किया है, जे इनफो है जहां पर भी मैंने 7 साल काम किया है, ट्रेनिंग तो मैंने अभी आपको दिखाई, रैंकिंग, एलिवेट स्टाइल्स, ईस्ट वेस्ट, शाउट एंड हाइक, बटर कप, बाबरिया एंड सो मैनी अदर थिंग, राइट। तो ये सभी के लिए मैंने पास्ट में या अभी मैं काम कर रहा हूं। तो हमारे पास प्रूवन है कि भाई ये क्लाइंट के साथ हमने काम किया और इसको रिजल्ट मिला, क्लियर। तो यहां पर हम लोग रखते हैं, 10 मिनट का ब्रेक है हमारा अभी, और 10 मिनट के ब्रेक के बाद मैं आपको ये सिखाऊंगा या ये आप लोग लर्न करोगे कि डिजिटल मार्केटिंग में मैं कौन कौन सी चीज आपको सिखाने वाला हूं, क्लियर। जो ये तारो पहलो क्वेश्चन है तो एक क्लियर, ओके फ्रेंड्स। तो यहां पर हम लोग ओके, तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग में हम आपको कौन कौन सी चीज सिखाएंगे। तो सबसे पहला है डिजिटल मार्केटिंग बेसिक्स। तो डिजिटल मार्केटिंग बेसिक्स में पहले लेक्चर में आप ये सीखोगे कि सबसे पहले अगर आपके पास क्लाइंट आता है तो उसको कौन कौन से क्वेश्चंस उनको पूछने हैं। आपका बिजनेस मॉडल क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, टारगेटेड रीजन क्या है, टारगेटेड ऑडियंस क्या है, ये सारी सबसे पहले इकट्ठी करनी है। और उसको लेने के बाद उनको प्रपोजल किस तरीके से भेजना है, स्ट्रेटजी किस तरीके से क्रिएट करनी है, वो आपको मैं पहले लेक्चर में सिखाऊंगा,
दूसरा लेक्चर है जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आपको डोमेन नेम बाय करना है वेबसाइट का और होस्टिंग का प्लान किस तरीके से लेना है। तीसरे लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, राइट। फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव यू द एग्जांपल व्हाट आई मीन बाय कीवर्ड रिसर्च। सपोज ये टूल है, ये गूगल का टूल है और ये हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि एक कीवर्ड से एक कीवर्ड पर पर्टिकुलर कितने लोग आपके एरिया में सर्च करते हैं, राइट। टूल्स, कीवर्ड प्लानर, सपोज मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? अभी हम ये देख रहे हैं कि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट से अहमदाबाद में कितने लोग सर्च करते हैं, गेट आइडियाज। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से 210 पीपल लोग सर्च करते हैं, सर्जिकल सीजर से 10 और ये सारी चीज उसके रिलेटेड है। सबसे ज्यादा डिमांड आपकी होती है जुलाई में और मार्च में। हाँ सु हाँ हाँ उसके बाद है मोबाइल डिवाइस पर 62.5% लोग आपकी चीज को ये मोबाइल पर ढूंढते हैं, यानी आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, वरना ये आप मोबाइल के यूजर को कैप्चर नहीं कर पाओगे, उनसे लीड नहीं ले पाओगे। कंप्यूटर से सिर्फ 34% लोग ढूंढते हैं इसको। ब्रेकडाउन बाय लोकेशन में कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि अहमदाबाद सिटी लेवल तक ही वो देता है, क्लियर। सो दिस इज द एनालिसिस, ये आपके बिजनेस के लिए किस तरीके से इसको यूज करना है, किस तरीके से उसको एनालाइज करना है, कौन कौन से कीवर्ड को टारगेट करना है। ऑफकोर्स वही कीवर्ड को टारगेट करेंगे जिससे लोग ज्यादा बार सर्च करते हैं, राइट, जिससे आपको जब आप पहले पेज पर रहोगे तो ज्यादा विजिटर मिलेंगे या ज्यादा लीड मिलेगी। उसके बाद है पेज ऑन पेज। तो जब भी आप कोई भी चीज सर्च करते हो, यहां पर सपोज मैंने सर्च किया सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यहां पर सर्च करने के बाद ये हमको लोकल दिखा और यहां पर ऑर्गेनिक दिखा। तो जो भी आपको ये जो मिला ना आपको, ये टाइटल है किसी भी वेबसाइट का, ये टाइटल है। टाइटल माने यहां पर जो आप कर्सर जब ले जाते हो और जो लिखा हुआ मिलता है ना, ये टाइटल है। तो सबसे पहला है टाइटल। सो जो टाइटल है वो उसमें ये कीवर्ड आ जाना चाहिए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट लिखा है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यहां पर लिखा है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यहां पर लिखा है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। तो अगर आपका कीवर्ड टाइटल में आ जाता है तो आपकी रैंकिंग में आगे बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है या आपको रैंकिंग इंप्रूवमेंट मिलता है। नंबर टू, ये यूआरएल,
तो URL है, ये URL है राइट, या वेबसाइट का नाम, पेज का नाम है, तो पेज के नाम में भी आपका कीवर्ड आ जाना चाहिए। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर लिखा है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर लिखा है मेडिकल सर्जिकल इक्विपमेंट, जिससे गूगल की, गूगल के एल्गोरिदम में ये कीवर्ड के लिए आपकी प्रायोरिटी बढ़ जाती है रैंकिंग में, और इसीलिए ये लोग टॉप में आ रहे हैं। तीसरा है डिस्क्रिप्शन, तो ये डिस्क्रिप्शन है, लिखा है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, यहां पर लिखा है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, यहां पर लिखा है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। तो अगर ये तीन जगह पर आपके कीवर्ड होंगे तो कंफर्म आपको रैंकिंग अच्छा मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा ही। क्लियर? तो ये आपको मैं सिखाऊंगा दूसरे लेक्चर में, सॉरी चौथे लेक्चर में, कि किस तरीके से आपको आपके पेज को जो बंदा ढूंढ रहा है उसके रिलेटेड चेंज करना है, ताकि आपको रैंकिंग में फायदा हो, और ये चेंजेस करके कंफर्म आप कहीं पर भी नहीं होंगे तो टॉप 30 में आ जाओगे। टॉप 30 मानी तीसरे पेज तक कंफर्म आ जाओगे, और जैसे जैसे आगे काम करोगे वैसे वैसे आप उसमें टॉप 10 में भी आ जाओगे। क्लियर? उसके बाद है पेज लोडिंग टाइम। सो व्हाट इज पेज लोडिंग टाइम? पेज लोडिंग टाइम मानी आपकी वेबसाइट कितने टाइम में लोड होती है ब्राउजर में। तो आप आपकी वेबसाइट के लिए भी ये टेस्ट करके देख सकते हो कि किस तरीके से आपका स्कोर बढ़ाना है। 80 प्लस इज गुड राइट। ये क्या है बेसिकली? मोर द स्कोर लेस द पेज लोडिंग टाइम। ये आपका स्कोर जितना ज्यादा होगा उतना आपका पेज लोडिंग टाइम, यानी ब्राउजर में जब कोई बंदा ओपन करता है वेबसाइट को तो वो कितनी टाइम में ओपन होता है, ये उसका टाइम। तो इससे क्या होगा, वॉलमार्ट का एक स्टेटिस्टिक्स है कि वॉलमार्ट ने अपने पेज लोडिंग टाइम को 3 सेकंड से 2.5 सेकंड किया था और उसका कन्वर्जन रेट 20% बढ़ गया था। वॉलमार्ट इज अ बिग कंपनी, वेरी बिग कंपनी, तो ये उसकी इंपैक्ट है आपके पेज लोडिंग टाइम की आपने, राइट। अरे दोस्त कहीं काम ना हो तो बंद कर देना। हाँ एक साथ एक पेलो आप जो ने पे लर्निंग पिरामिड पची 5% में रही जाइए राइट। उसके बाद है अब ऑनलाइन जोता हो तो हमने ना खबर पड़े, आ क्लासरूम ट्रेनिंग नो फायदो कि सामने वाला ने खबर पड़े सामने वाला शू करे राइट। उसके बाद है कि आपको लिंक कैसे इकट्ठी करनी, तो टॉप 30 में तो आप आ जाओगे वो चेंजेस करके, लेकिन जैसे ही आप लिंक बिल्डिंग इज अ पार्ट ऑफ द एसईओ, कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं जिन्होंने गूगल, जिसको गूगल ने यहाँ पर टॉप में रखा है, उन्होंने कई जाई जगह पर आर्टिकल लिखे होंगे और वहां पर अपनी लिंक रखी होगी, और वो लिंक को जब गूगल क्रॉल करता है तो वो उसको एक क्रेडिट देता है राइट। वो कैसे है? मैं आपको सिंपल बताता हूं कि कभी भी हमारे यहां पर इलेक्शन होता है लोकसभा का या विधानसभा का, तो जो भी कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलता है वो इज द विनर राइट, या वो पीरियड के लिए वहां पर हैंडल करता है। तो उसी तरीके से अलग अलग वेबसाइट से जब आपको लिंक मिलती है, लिंक मानी वो वेबसाइट आपके पेज को रिफर कर रही है, वो जितनी ज्यादा होगी उतना आपको रैंकिंग में फायदा होगा राइट। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ट्रेनिंग इन एसईओ का एग्जाम्पल देता हूं।
ये हमने ब्लॉक सेक्शन क्रिएट किया हुआ है, राइट right? और यहां पर ये हमारा आर्टिकल है, राइट right? तो यहां पर आपको एक लिंक मिलेगी, ये लिखा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन अहमदाबाद। ये लिंक पर मैंने मेरा जो डिजिटल मार्केटिंग वाला पेज है उसको ये लिंक पास होती है। जब भी मैं यहां पर क्लिक करूंगा तो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग वाले पेज पर चला जाऊंगा। तो ऐसी जितनी लिंक रिलेवेंट ज्यादा आपकी वेबसाइट को मिलेगी उतनी ज्यादा आपको रैंकिंग में फायदा होगा। ये तो एक ही जगह है, लेकिन मैं बहुत सारी जगह पर भी ऐसे मेरा सबमिशन भी कर सकता हूँ वेबसाइट का, या फिर आर्टिकल भी उसके लिए बना सकता हूँ, राइट। तो ये SEO की एक टेक्निक है रैंकिंग को ऊपर लाने के लिए। तो ये सारी चीज मैं आपको ट्रेनिंग के दौरान आप लोग सीखोगे। उसके बाद है कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन, तो ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। सो व्हाट इज कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली, या आप क्या सीखोगे कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन में? तो जब कोई बंदा आपकी वेबसाइट पर आता है, तो जैसे शुरू में हमने डिस्कस किया था कि 100 में से नॉर्मली एक या दो बंदे आपको लीड देकर या इंक्वायरी देकर जाते हैं। ये इंडस्ट्री बेंचमार्क है कि 100 में से दो लोग आपको नॉर्मली कॉन्टेक्ट करके इंक्वायरी देकर जाते हैं। वो 2% की अगर 4% या 5% करनी है तो किस तरीके से करनी है? व्हाट आर द चेंजेस यू शुड मेक ऑन द वेबसाइट सो दैट योर कन्वर्जन रेट कैन बी इंक्रीज फ्रॉम 2% टू 4% या मोर देन दैट। तो आपके लिए तो आप ये बोल सकते हो कि आपकी लीड डबल हो गई या आपका बिजनेस डबल हो गया, क्योंकि पहले 100 विजिटर में से दो बंदे आपको कॉन्टेक्ट करते थे और वही विजिटर में अभी आपको 4 बंदे कॉन्टेक्ट करते, तो आपका बिजनेस डबल हो गया। तो वो कैसे करना है, तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल केस स्टडी दिखाता हूं मेरा। हमने क्या किया, जब मैंने ये 1.5 साल पहले वेबसाइट बनाई थी, तो ये वेबसाइट में ये रिक्वेस्ट फ्री डेमो लेक्चर नहीं था। ये जो अभी आपको दिख रहा है ना यहां पर, ये 1.5 ईयर पहले नहीं था, और यहां पर ये फॉर्म भी नहीं था। ये दोनों नहीं थे इसलिए मेरा कन्वर्जन रेट था 2%, यानी 100 में से दो बंदे मुझे कांटेक्ट करते थे ट्रेनिंग की इंक्वायरी के लिए। जैसे ही मैंने ये ऐड किया फ्री वाला, इंक्वायरी हो गई 6 या 7, क्योंकि फ्री वर्ड हमेशा आदमी को एनकरेज करता है कांटेक्ट करने के लिए। ये सर्वाइवल है। जियो ले लो आप, ओला ले लो, उबर ले लो, कोई भी चीज ले लो, शुरू में हमेशा पेटीएम ले लो, शुरू में हमेशा वो लोग कुछ फ्री देते हैं आपको, और फ्री देकर दे मेक यू हैबिचुएटेड टू टेस्ट योर सर्विस, राइट। एक बार हम लोग कड़ी धूप में अगर ओला कैब से चले गए तो फिर कभी भी कड़ी धूप में हम रिक्शे में नहीं आएंगे या व्हीकल पर नहीं आएंगे, ओला कैब में ही जाएंगे या उबर में ही जाएंगे। क्यों? वो कंफर्ट हमको महसूस करा दिया उन्होंने। यही चीज है, एक बार आपने आकर देखा यहां पर कि इतनी सारी ऑप्शंस है, इतने सारे आगे बढ़ने के तरीके हैं, तो फिर आपकी करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्लियर। तो ये है, राइट। मैं अभी आपको एनालिटिक्स में आगे दिखाऊंगा कि आज के दिन में या लास्ट 30 डेज में मेरा कन्वर्जन रेट क्या है, मैं आपको अभी आगे दिखाता हूं एनालिटिक्स में, क्लियर। तो ऐसी हमारे पास 50 से ज्यादा प्रूवन टेक्निक्स है कि वो अगर आपकी वेबसाइट पर आप इंप्लीमेंट करते हो तो आपको कंफर्म कन्वर्जन रेट ज्यादा मिलेगा, यानी इंक्वायरी आपको ज्यादा मिलेगी कंफर्म, राइट। ऐसी 50 से ज्यादा चीजें हमारे पास। उसके बाद है लोकल बिजनेस सबमिशन, वो किसके लिए किया था हमने? गोपी के लिए। जो गोपी एयर कंडीशनर था ना, वो लोकल बिजनेस है। जो मैप के साथ दिखाता है वो लोकल बिजनेस है, क्योंकि लोकली 2 या 3 किलोमीटर के रेडियस में ही लोग अप्रोच करेंगे। नड़ियाद में कोई यहां से अप्रोच नहीं करने वाला, राइट। तो वो लोकल बिजनेस है, तो वो लोकल बिजनेस में टॉप में कैसे आना है वो आप लोकल बिजनेस प्रमोशन में मैं आपको सिखाने वाला हूं। गूगल एनालिटिक्स,
So Google Analytics is again my favorite topic. मैं आपको मेरी वेबसाइट के लिए दिखाता हूं. राइट तो मैंने बोला आपको लास्ट 30 डेज का मेरा कन्वर्जन रेट क्या है वो हम देखते हैं. कितना है मेरा कन्वर्जन रेट? 4.53% अप्रोक्सीमेटली 4.5%. और कितनी लीड मिली है मुझे? 77 वेबसाइट से मिली है और 30 से 40 फोन कॉल से मिली है. तो ये मेरी लीड हो जाती है 100+. तो ये किस तरीके से आपको इसको ट्रैक करना है लीड को, किस तरीके जितने लोगों ने वेबसाइट देखकर मुझे कांटेक्ट किया वो है मेरा कन्वर्जन रेट. 77 लोगों ने मुझे लीड दी है, इंक्वायरी दी है वेबसाइट से, और 4.53 मेरा कन्वर्जन रेट है. मानी 100 में से 4.53 की एवरेज से मुझे लोग कांटेक्ट करते हैं. अच्छा, जितने यूजर्स आए आए उसमें से 4.53 लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया. ये अगर पूरा डेटा देखना है तो यहां से मिलेगा आपको. ये पूरा एनालिसिस मैं यहां पर कर सकता हूं. किसी भी वेबसाइट के लिए हो सकता है, लेकिन आप और किसी की देख नहीं सकते. यानी अगर आपको और किसी की वेबसाइट का ये स्टेटिस्टिक्स देखना है तो नहीं देख सकते. आपको उसमें वो कोड रखना पड़ता है जावास्क्रिप्ट वाला, और आपके पास सफिशियंट आपका जीमेल आईडी और कोई देख सकता है? क्यों नहीं देख सकता? आपका है इसलिए नहीं, लॉगिन क्रेडेंशियल नहीं है इसलिए. तो देख सकते तो देख सकते तो देख सकते. आपको एक कोड ऐड करना पड़ेगा. लेकिन ज्यादातर लोग यही क्वेश्चन करते हैं कि मैं आपका देख सकता हूं. 80% लोग, इसलिए मैंने वही कंसीडर करके आपको रिप्लाई दिया. तो यहां से मुझे पता लग जाएगा कि मुझे तो ये आप आपके लिए देख सकते हो. एक गूगल की जावास्क्रिप्ट आती है, वो आप ऐड करके ये ट्रैकिंग चालू हो जाएगा. तो ये मुझे यहां से मालूम हो जाएगा कि मुझे कौन से एरिया में फोकस करना है. मेरा कन्वर्जन रेट सबसे ज्यादा गूगल सीपीसी में है, पेड मार्केटिंग में, उसके बाद गूगल ऑर्गेनिक में है. मुझे कितनी लीड मिली है यहां से देख लेते हैं. गोल कंप्लीशन 38 लीड मुझे गूगल ऑर्गेनिक से मिली है, 19 लीड मुझे सीपीसी से मिली है, ब्लॉग और एसएमएस से 1 लीड मिली है. तो ये सारा मेरा स्टेटिस्टिक्स है. फेसबुक का भी देखते हैं? हाँ, सब कुछ दिखता है. ये रहा फेसबुक, कहाँ पर गया? ये रहा, 1 लीड मुझे फेसबुक से मिली. नहीं, वो विजिटर यहाँ पर आता है जब भी. फेसबुक लीड क्या है बेसिकली, कि मैंने फेसबुक पर मेरी पोस्ट को सर्कुलेट किया, उस पर क्लिक करके वो वेबसाइट पर आया, और वेबसाइट पर आने के बाद उसने मुझे कांटेक्ट किया, तो वो यहाँ पर ट्रैक हो जाएगा. क्लियर? कांटेक्ट यानी ऑनलाइन कांटेक्ट, वहां से आपको फ्री डेमो का देखने, फ्री डेमो का फॉर्म भरा या मुझे कॉल किया. गूगल चेक कैसे करेगा कि उसने आपको कॉल? ये मैंने यहाँ पर इवेंट ट्रैकिंग करके चीज आती है वो मैंने रख दी है. जैसे ही आप यहाँ पर कॉल करोगे ना, क्लिक करोगे ना, देखो आप अभी यहाँ पर कितने यूजर, 1 यूजर है, मैं ही हूं यहाँ पर, राइट? और यहाँ पर गोल में चले जाते हैं. अभी तक किसी ने भी एक भी गोल कंप्लीट नहीं किया है, जो भी गोल है. जैसे ही मैं यहां पर क्लिक करता हूं,
यहाँ पर एक गोल आ जाएगा, आ गया क्लिक टू कॉल पर एक आ गया, राइट तो ये यहां से मैं ट्रैक करता हूँ इवेंट ट्रैकिंग के जरिए, कहाँ से आया है गोल ये भी मालूम हो जाए, डेस्कटॉप से आया है ये, राइट तो ये सारी चीज आपको मालूम हो जाएगी यहां से, क्लियर। तो ये आपको पूरा मैं एनालिटिक्स में सिखाऊंगा, किस तरीके से इसको ट्रैक करना है, किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है, राइट ये सारी चीज आपको मैं इसमें सिखाऊंगा, राइट। सपोज मैं यहां पर हूं और अभी इनकॉग्निटो मोड में मैं दूसरी बार ओपन होता हूं तो दो विजिटर यहां पर मिलेंगे आपको, और यहां दो हो जाएगा, अभी लोड हो रही है, हो गया दो, राइट करेक्ट। तो ये सारी चीज आपको यहां से मिल जाएगी, कंटेंट तो कौन से पेज पर है वो दिखेगा, यहां पर होम पेज पर है हम लोग दोनों, क्लियर। ट्रैफिक सोर्स कौन सा है, तो डायरेक्ट है क्योंकि मैंने डायरेक्ट ब्राउजर से ये ऐड किया है, क्लियर। तो ये सारी चीज आपको पता लग जाती है एनालिटिक्स में। फेसबुक, यस यस, जो अगर मैं फेसबुक से यहाँ पर आया हूँ, रिडायरेक्शन हुआ, लेकिन उसको सोर्स तो फेसबुक होगा ना, सपोज ये फेसबुक वाला पेज है, समझ लो मैं फेसबुक से यहाँ पर आता हूँ, तो ये पूरी चीज आपको एनालिटिक्स से मैं सिखाऊंगा। सपोज मैंने यहां पर मेरी वेबसाइट का नाम जब भी दिखता है ना मैं क्लिक कर देता हूँ, ये रहा, यहां पर मैंने क्लिक किया, अभी आपको मिलेगा कि यहां पर सोर्स है फेसबुक, विजिटर दो ही रहेंगे क्योंकि एक ही ब्राउजर में मैंने दो ओपन किया है, तो विजिटर विल बी टू आई गेस, बट द सोर्स विल बी डायरेक्ट प्लस फेसबुक। ये अभी लोड हो रही है तो वो कोड जब एग्जीक्यूट होगा तब आपको यहाँ पर विजिटर दिखेंगे। और भी एक चीज आपको यहाँ से मैं आपको मिलेगी कि कौन से टाइम और डे पर मुझे सबसे ज्यादा लीड मिलती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल एडवर्ड आवर ऑफ द डे, राइट, तो मुझे सबसे ज्यादा विजिटर्स यहां पर मैं कंपैरिजन चार्ट में अगर चला जाता हूं तो इट विल बी वेरी इजी फॉर मी, गोल कंप्लीशन, सुबह के 10 बजे सबसे ज्यादा लोग इंटरेक्ट करते हैं और शाम के 6 बजे और 8 और 9 बजे, राइट। ये है गोल कंप्लीशन और ये है टाइम, 0 मानी रात के 12 बजे, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू रात के 11 बजे, तो मुझे वही टाइम पर मेरी एड चलानी चाहिए जब मेरा कन्वर्जन रेट हाईएस्ट है, तो 10 बजे मेरा कन्वर्जन रेट हाईएस्ट रहता है, तो मुझे 10 बजे ज्यादा पैसे देकर भी मुझे मेरी ऐड चलानी चाहिए क्योंकि उस वक्त यूजर की कन्वर्ट होने की प्रोबेबिलिटी कंपेयर टू अदर टाइम ज्यादा है। डे ऑफ द वीक, 0 मानी संडे, कौन से दिन पर मुझे सबसे ज्यादा मिलती है, सैटरडे को मेरा कन्वर्जन रेट सबसे ज्यादा होता है और फ्राइडे को सबसे ज्यादा होता है, सबसे कम होता है मंडे को, तो मुझे मंडे को ऐड नहीं चलानी चाहिए, राइट क्लियर। तो ये सारा एनालिसिस आप कर सकते हो, मैं सिखाऊंगा आपको गूगल एनालिटिक्स में। उसके बाद है पेड प्रमोशन, तो पेड में किस तरीके से आपको टॉप में आना है, राइट। पेड प्रमोशन मानी जब भी आप कोई भी चीज के लिए सर्च करते हो ना, ये हमने सर्च किया तो यहाँ पर आगे या
नीचे आपको एड दिखेगी एडवर्ड के जरिए, ये है एड, एडी लिखा है। यहां पर आपको किस तरीके से टॉप में आना है, एड में। एड का ये फायदा है कि एसईओ इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, आप पहले ही दिन टॉप में नहीं आ सकते, मिनिमम 3 to 4 या 6 मंथ लगेंगे आपको, लेकिन आपको वहां तक वेट नहीं करना है। तो यू हैव द ऑप्शन, आप गूगल पेड एडवर्टाइजमेंट के जरिए टॉप में आ सकते हो विद इन 24 आवर्स, राइट। तो यहां से आपको किस तरीके से कैंपेन किस तरीके से क्रिएट करना है, और आपको इसमें एवरी टाइम यूजर क्लिक ऑन योर एड यू हैव टू पे समथिंग टू गूगल, टू गूगल। तो आपको ROI के बेस पर काम करना है। किस तरीके से, सपोज ये प्रोजेक्टर मैंने रखा है बेचने के लिए, अज्यूम करो उसकी सेलिंग प्राइस है 15,000 रुपीज और मैन्युफैक्चरिंग है मुझे पड़ता है वो 10,000 रुपीज, यानी एक पीस मैं बेचता हूं तो मुझे ऑन एन एवरेज कितना फायदा होगा, 5,000। मेरा पास्ट डेटा ऐसा है कि 100 लोग अगर मेरी प्रोडक्ट को विजिट करते हैं मेरी वेबसाइट पर या अमेजोन पर या और कई जगह पर, उसमें से 3 बंदे ये प्रोजेक्टर को परचेस करके जाते हैं, यानी मेरा कन्वर्जन रेट कितना हुआ, 3%। तो 100 बंदे अगर मेरी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो मुझे ऑन एन एवरेज कितना फायदा होता है, 15,000 × 5,000 × 3, वेरी सिंपल। तो एक बंदे को मैं कितना पे करूंगा तो मैं ROI मेरा नेगेटिव नहीं जाएगा, 100 × 15,000, तो एक का कितना, 15,000/100 इट इज 150, तो मेरी कॉस्ट पर क्लिक 150 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, दिस इज कॉल्ड रिवर्स कैलकुलेशन। अगर मैं 150 से जितने कम में यूजर को लाता हूं वेबसाइट पर उतना मेरा ROI ज्यादा होगा, क्लियर। तो ये सारी चीज मैं सिखाऊंगा आपको, आप लोग सीखोगे पेड एडवर्टाइजमेंट में कौन कौन से तरीके से करना है, कौन से कीवर्ड को चूज करना है, इसमें फेसबुक दिया जाएगा। उसके बाद है ईमेल मार्केटिंग, तो ईमेल मार्केटिंग कौन से टाइम पर ईमेल को भेजना है, सब्जेक्ट लाइन में क्या लिखना है, कौन से टूल से भेजना है, वो सारी चीज मैं सिखाऊंगा ईमेल मार्केटिंग में। एफिलिएट मार्केटिंग, तो एफिलिएट मार्केटिंग माने अगर आपको कंटेंट लिखने का शौक है तो किस तरीके से आप कंटेंट लिख के भी पैसे कमा सकते हो, वो है एफिलिएट मार्केटिंग। मोबाइल मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग मानी आपकी वेबसाइट मोबाइल में कैसी होनी चाहिए जिससे आपको कन्वर्जन रेट अच्छा मिले या रैंकिंग अच्छा मिले, ये सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे मोबाइल मार्केटिंग में, आप सीखोगे मोबाइल मार्केटिंग में। सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो फेसबुक पर किस तरीके से प्रमोट करना है, लिंक्डइन पर किस तरीके से करना है, इंस्टाग्राम पर किस तरीके से करना है, ट्विटर और ये सारी जगह पर किस तरीके से आपको प्रमोट करना है, ये सारी चीज आप सीखोगे सोशल मीडिया मार्केटिंग, राइट। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, मैंने कैंपेन रन किया था फेसबुक बिजनेस मैनेजर, राइट। तो मैंने एक कैंपेन रन किया था आज से 3 या 4 महीने पहले, नहीं ये फेसबुक पर मैंने एक कैंपेन चलाया था, उसमें मैं आपको ये दिखाता हूँ कि मैंने 2,000 रुपीज में कितनी लीड जनरेट की, लीड मानी इंक्वायरी,
ये है फ्री डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप ऑन संडे। कितने पैसे मैंने खर्च किए थे, 231 लीड दिखती है आपको, राइट। ये 231 लोगों ने अप्लाई किया था और मैंने पैसे खर्च किए थे 1842। ओनली 1842 में मैंने इतनी सारी लीड जनरेट कर दी। वो एड में दिखाऊं आपको कैसी है। हाँ, पेड मार्केटिंग करी थी दोस्त। बूस्ट पोस्ट, आप पोस्ट को भी बूस्ट कर सकते हो, पोस्ट को भी कर सकते हो, या अलग से एक ऐड बनाकर भी चला सकते हो। ये मेरी ऐड है, इसमें भी वही टेक्निक है, फ्री एंड अन 15,000 हमेशा वर्क करता है, राइट। डेस्कटॉप फीड देख लेते हैं, ये रहा, ये मेरी ऐड थी। ये मैंने जब एलडी में लेक्चर लिया था उसकी इमेज है, राइट। तो ये ऐड ने सिर्फ 7 रुपए में मुझे एक लीड दी थी, ओनली 7 रुपीज, मफत ना भाव मच के, राइट। क्योंकि 1800 में एक भी बंदा कन्वर्ट, 3 बंदे कन्वर्ट हुए थे एक्चुअली उसमें से, तो वो तो मेरे आरओआई तुरंत ही मिल जाती है। तो ये आपको मैं सिखाऊंगा सोशल मीडिया मार्केटिंग में, किस तरीके से पेड करना है, कौन से टाइम पर पोस्ट करना है, किस तरीके से पोस्ट करना है जिससे ज्यादा लाइक आए, ज्यादा कमेंट आए, ज्यादा शेयर मिले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। उसके बाद है वर्क मैनेजमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेटजी किस तरीके से बनानी है, राइट। जैसे मैं आपको सिखाऊंगा, ये मंथली एसईओ स्ट्रेटजी है जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से ये सारे टॉपिक्स है। ये उसका डिस्क्रिप्शन है, ये उसका आवर्स कितने लगेंगे, ये उसकी प्रोसेस है, सभी की प्रोसेस है मेरे पास कि ये एक्टिविटी करनी है तो आइडियल वैसे किस तरीके से हो सकती है, जिससे आपको एग्जीक्यूट करते वक्त स्टेप्स के फॉर्म में आपके पास हो। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, आई मीन हु इज गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस एक्टिविटी, स्टेटस अभी क्या है, यानी ये एक्टिविटी खत्म हुई है कि बाकी है, पहले वीक में क्या करना है, दूसरे वीक में क्या करना है, तीसरे, चौथे एंड पांच, एक महीने में 5 वीक से ज्यादा नहीं होता। तो ये कौन से वीक में क्या एक्टिविटी करनी है वो हमने यहाँ पर लिखा है। तो ये एक सेंट्रल शीट से अगर आपकी टीम में 50 बंदे भी काम कर रहे हैं तो आप इसको इजीली मैनेज कर सकते हो। सभी को रिस्पॉन्सिबल बना दिया और कब खत्म करना है वो बता दिया, कौन सी प्रोसेस से खत्म करना है वो बता दिया। यू जस्ट हैव टू स्पेंड योर 1 आवर एवरी वीक टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज अप टू द मार्क या ऑन ट्रैक, क्लियर। तो ये मैं आपको सिखाऊंगा वर्क मैनेजमेंट में। मेल किस तरीके से भेजना है, क्योंकि मेल में कई सारे लोग नहीं पता लगता है कि मेल को किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से एक ही थ्रेड में सबको मैनेज करना है, सब्जेक्ट लाइन कैसी लिखनी है मेल में, राइट। ये सारी चीज आपको मैं मेल राइटिंग में सिखाऊंगा, राइट। आपने फॉर एग्जाम्पल जो है आपने कोई ने कही है कि अंदर से पानी पी ले, राइट। लेकिन वही चीज अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो आपको प्लीज आगे ऐड करना पड़ता है, प्लीज ड्रिंक वाटर फ्रॉम दैट कैबिन। क्योंकि अगर इंग्लिश में आपने प्लीज को नहीं यूज किया तो वो एरोगेंट लगता है, या ऑर्डर आपने दिया उस तरीके से लगता है। तो वो सारी चीज आपको मैं सिखाऊंगा कि मेल लिखते वक्त आपको क्या ध्यान में रखना है, राइट। ये हम लोग 2 ट्रेनर होंगे, मैं आपको एनालिटिक्स पीपीसी मैं आपको सिखाऊंगा, और ये कुणाल सर है ये आपको एसईओ और सोशल मीडिया ये आपको सिखाएंगे, राइट। ये फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस है कि भाई डू यू प्रोवाइड जॉब गारंटी, यस वी ऑफ कोर्स प्रोवाइड द जॉब गारंटी, द ओनली थिंग वी रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड इज जो भी हम सिखाए वो 2 डोमेन पर आपको करना है। आपके खुद के वेबसाइट होगी तो भी चलेगा, आप हमारी वेबसाइट पर करोगे तो भी चलेगा, लेकिन एवरी लेक्चर में अगर आपने ये किया
तो आपको कोई नहीं रोक सकता कि आपको जॉब ना मिले, इतनी डिमांड है इसकी। नंबर टू के मैं आईटी बैकग्राउंड से नहीं हूं तो भी मैं ये कर सकता हूँ, राइट? ऑफ कोर्स कर सकते हो, मैं भी आईटी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, राइट? आई हैव नथिंग टू डू विद द आईटी। ओनली मैथ्स करने से आपका लॉजिक अच्छा होता है और एनालिटिकल स्किल अच्छी होती है आपकी, लेकिन मैं आईटी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, राइट? तो अगर मैं आपको सिखा सकता हूँ तो आप कर तो सकते ही हो, राइट? उसके बाद है कौन सा टाइम एंड डे रहेगा लेक्चर का। तो ये नॉर्मली डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टाइम कन्वीनियंट है, राइट? अभी जो एक बैच चल रही है वो शाम को चल रही है 6 to 7:30, तो अभी जो नई बैच ओपन होगी वो प्रोबेबली मॉर्निंग में ओपन होगी, राइट? वीक डेज में, राइट? हाउ मच सैलरी एंड बिजनेस ग्रोथ आई कैन एक्सपेक्ट। तो जैसे मैंने बताया था कि 2 महीने में आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कन्फर्म मिल जाएगा, कन्फर्म मिल जाएगा। जितने पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं वो आपको वापस कन्फर्म मिल जाएंगे 2 या 3 महीने में, राइट? यही लिखा है मैंने, 6 महीना लिखा है लेकिन 2 या 3 महीने में मिल जाएगा आपको, राइट? तो ये हमारी सक्सेस स्टोरीज है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे शांति से सुना, करेक्ट? हाँ वो भी होते हैं, कर सकते हो, उसमें भी ज्वाइन हो सकते हो आप। ओके तो संडे को कर सकते हो आप, तो आपको जल्दी पता लग जाएगा ये। हाँ वेरी क्लियर। एक मिनट मैं लिख ही देता हूँ, आप जो भी आए हो ना उसका मैं यहाँ पर संडे का है हमारा, सैटरडे नहीं होता है, संडे को होता है 9 to 9:30 to 12:30, 9:30 to 12:30 रहता है। मैंने वेबसाइट पे वही देखा था।